दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सर कंपनीज एक्ट का वन शॉट सेशन। यहाँ पे जी हाँ, कंपनीज एक्ट का रिवीजन करेंगे पूरा एक सेशन के अंदर। ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट का आ चुका है बेटा यूट्यूब के ऊपर, दिल्ली मैराथन बहुत जल्द मैं सोगा का भी दिल्ली मैराथन का सेशन डाल दूंगा। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए कंपनीज एक्ट का सेशन लेके आ चुका हूँ। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी, लोग मुझे प्यार से आई जी सर भी कहते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सी ए फाउंडेशन का लॉ एंड बी सी आर पढ़ाता हूँ, सी ए इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाता हूं। मैं टीचर बाय पैशन एंड चार्टर्ड बाय प्रोफेशन। इसके अलावा ये मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है, तो bit.ly/igsirlife आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं और इसके बाद आप हमारे वर्चुअल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, जिसपे मैंने आज तक जितने भी यूट्यूब के ऊपर सेशन लिया हो, ये पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर के सारे सेशन आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जून एग्जाम्स के बाद जुलाई में बेटा हमारे वार्म अप सेशन चालू होने वाले सीए इंटरमीडिएट के। तो वार्म अप सेशन के लिए आपको इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आईजी सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला और कोड मतलब आईजी सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको पेपर नंबर 2 में आपको कॉन्फिडेंस दिया हो, आप लॉ एंड बीसीआर के सेशन से आपको बहुत ज्यादा मदद मिली है, तो जरूर से इस कोड का प्रयोग कीजिएगा, आप या आपके दोस्त या आपके कोई भी जानकार अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे तब। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस जबरदस्त वाले सेशन की, जहां पे कंपनीज एक्ट को हम लोग पूरा पूरा फिनिश ऑफ करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए या जिस भी नोट्स का आपने सहारा लिया है आप उस नोट से पढ़ सकते हैं। करो आपके साथ, तो अभी हम लोग चालू करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या दिया जाता है? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल दिए हुए हैं। कितने? 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल दिए हुए हैं, जिसको डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स के अंदर। सर कंपनीज एक्ट किस चीज के लिए आया था? तो कंपनीज एक्ट का मेन मोटिव था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, तीसरा स्ट्रेंथन करना इंटरेस्ट ऑफ कौन सा बेटा, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर्स है या रोल ऑफ विसल ब्लोअर या क्लास एक्शन सूट को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो हमने क्या क्या देखा, कौन सी चीजें होनी चाहिए फटाफट बताइए। सर अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए चीजें आती है। दूसरा सिंप्लीफाई करो रेगुलेशंस को, तीसरा स्ट्रेंथन करो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का। फर्स्ट टाइम यहां पे लेजिस्लेशन लाया गया था जहां पे रोल ऑफ विसल ब्लोअर से रिलेटेड या क्लास एक्शन सूट से रिलेटेड यहां पे बात की गई थी। तो ऐसी वाली पूरी पूरी चर्चा यहां पे की गई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे समझे? यस सर। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे। अब हम लोग अगर नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चले, तो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो ये कंपनीज एक्ट मतलब किसके बारे में बात कर रही है? एक्ट का मतलब होता है सर कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। तो इन्होंने कह के रखा है कि कंपनीज एक्ट 2013 किस किस चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इट इज एप्लीकेबल अंडर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो एक्ट आया है वो, या इससे पहले भी जो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, उस कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर भी अगर आपकी कंपनीज बनी है तो आपके ऊपर हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे लगवाने वाले हैं। दूसरी वाली चीज क्या बोला गया यहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा बैंकिंग, और चौथा बोला गया कंपनी एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों कंपनीज की खास बात यह है कि इनके लिए एक सेपरेट खुद का एक्ट भी होता है। तो अगर इनका सेपरेट एक्ट और हमारा कंपनीज एक्ट 2013 अगर एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे केस के अंदर हम लोग ये कहेंगे कि यहां पे क्या हो जाता है सर, यहां पे है ना इनका खुद का रिस्पेक्टिव एक्ट जीतने वाला है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से जीतने वाला है। उसके अलावा मुझे आप एक बात बताइए, कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर कंपनीज आती है, तो क्या स्पेशल एक्ट के द्वारा जो कंपनीज बनी है उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट कोई दूसरे एक्ट के तहत हुआ हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि नहीं नहीं इनके ऊपर तो कंपनीज एक्ट 2013 लगाना ही है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि यहां पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होने वाला है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ गए? यस सर। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हमने यहां पर देख रहे। अब हमने क्या क्या देखा बताइए? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा हमने देखा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सभी बोलिए
इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और इनके खुद के अगर रिस्पेक्टिव एक्ट हमारे कंपनीज एक्ट के साथ झगड़ा करते हैं तो इनका खुद का एक्ट ऊपर होने वाला है। फिर हमने देखा था स्पेशल एक्ट के द्वारा भी अगर कंपनीज बनती है तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी ऐसा एक्ट जो इनकॉर्पोरेट हुआ और जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भैया भैया इनके ऊपर तो एप्लीकेबल करवाएंगी, तो उन लोगों के ऊपर भी हम लोग एप्लीकेबल करवाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करवाते हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनीज करके उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे, द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और ऑफ द एनी और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी एक्ट। यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या दिया गया, बहुत ही जोरदार डेफिनेशन देके रखे, मतलब दिल बागबान हो गया बेटा। यहाँ पे इनका कहना है कि कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो इनकॉर्पोरेट हुई है, या एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, या कोई पुराने प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी अगर आया है तो ऐसे केस के अंदर उसमें हम लोग कहते हैं कि एप्लीकेबल हो जाता है सर कंपनीज एक्ट 2013, क्या कहेंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है सर ये वाली चीजें, कंपनीज एक्ट 2013 यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। उसके अलावा सर प्रोफेसर हैनन ने डेफिनेशन दिया था जिसको मैंने कहा था कि इन्होंने कुछ खास नहीं किया है, जितने भी फीचर्स है सारे के सारे फीचर्स को मर्ज कर दिया और उसके बाद कहा कि देखो देखो हमने तो नई नई डेफिनेशन लाई है करके, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। वो सर कौन से फीचर्स है, तो आइए देखेंगे कौन से फीचर्स यहां पे आ जाते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर आता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, समझिए आप बात को बेटा, कंपनी बनाने वाला या कंपनी को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कंपनी से अलग होता है। कल चल के रिलायंस को कुछ ऊंच नीच हुआ तो हम ये नहीं बोल सकते अंबानी जी एक काम करो या एंटिला को बेच मारो करके और इसके है ना डेट्स को पे कर डालो, इसके डेट्स को फिनिश ऑफ कर डालो, आप ऐसा नहीं बोल सकते दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलायंस अलग है और अंबानी जी अलग है, इस बात का आपको रखना होगा। उसी प्रकार से सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या बोला जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है सर कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग या उसको चलाने वाले लोग दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं या दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। अगर कल चल के कंपनी डूबी तो आप ये नहीं बोल सकते मेंबर्स तुमको अपने घर के घर से पैसा लगाना होगा, तुम अपने घर से पैसा लगाइए और आप हमको पैसा पे कीजिए करके, आप ऐसा नहीं बोल सकते, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो देखो क्या बोला जा रहा है, अ कंपनी कैसा पर्सन है बेटा, लीगल पर्सन है जो डिस्टिंक्ट है मेंबर्स है। डिस्टिंक्ट है मेंबर्स का मतलब होता है मेंबर से जो अलग है उसे बोला जाता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स करके, बराबर है ना। यस सर। अब नेक्स्ट वाली चीज पे देखो, द कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन जिसके खुद के राइट्स होते हैं और खुद के ऑब्लिगेशन होते हैं, तो ऐसे केस के अंदर इनके खुद के राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे कंपनी के खुद के राइट्स होते हैं और खुद के यहाँ पे ऑब्लिगेशन रहने वाले हैं, परफेक्ट है सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपनी क्या खुद के नाम पे प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन्स, लाइबिलिटीज और एंटर कर सकती है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? बिल्कुल बिल्कुल सर, एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। कंपनी और जो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, Members of memorandum का मतलब होता है जो वादा करते हैं कंपनी से कि जब आप इनकॉर्पोरेट हो जाओगे तो पहले पहले मेंबर हम बनेंगे, उसे सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम कहा जाता है। तो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम और कंपनी भी अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन सी यू ऑन इट एंड नॉट द मेंबर्स। मतलब सर यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए इवन मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर डेट्स ऑफ द कंपनी है तो क्रेडिटर्स सू करेंगे, मेंबर्स यहां पे सू नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात यहां पे, क्योंकि मेंबर्स का क्या होता है समझना आप बात को, मेंबर्स बेटा इक्विटी होल्ड करके रखते हैं, तो मेंबर्स को बचा कुचा पैसा आने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना अगर कल चल के कंपनी डूब गई तो। उसके बारे में ये लोग यहां पे बात कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिटर के पोजीशन, आप मेंबर भी और आप क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर के पोजीशन से आप पैसा बिल्कुल बिल्कुल मांग सकते हो क्या? हां बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग यहां पे पैसा मांग सकते हैं, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। सर एग्जाम्पल दीजिए तो इसका एग्जाम्पल है सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन लिमिटेड, सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड। हुआ क्या था, सैलोमैन करके एक व्यक्ति था बेटा जिसका बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, उसने क्या किया इस बूट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया एक कंपनी को, एक कंपनी क्रिएट करके सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड, जिसमें वो और उसके फैमिली मेंबर्स ही ऑलमोस्ट 100% होल्डिंग्स होल्ड करते थे, और उसके बाद फिर कंपनी के नाम से धंधा चलना चालू हो गया। फिर जैसे जैसे बिजनेस में होता है क्रेडिटर्स
भी आए, लोन देने वाले भी, लेंडर्स भी आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए। और सैलोमैन ने जो इनसे पैसा लिया था बिजनेस बेचने के बजाय, तो कुछ कैश में लिया, कुछ शेयर्स में लिया और कुछ डिबेंचर फॉर्म में लिया। और किस में लिया बोलिए जल्दी से? डिबेंचर फॉर्म में। तो ऐसे केस में डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है। अब कल चल के जब कंपनी डूबी तो क्रेडिटर्स का कहना है कि माना सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, इसका मतलब ये नहीं, वो लेकिन है तो सैलोमैन के पास ना, और सैलोमैन ही तो ओनर है। पहले सैलोमैन की तो ये पूरी फर्म हुआ करती थी, वो तो बाद में इन्होंने कंपनी बना दी है। तो पहले तुम क्रेडिटर्स का पैसा दो और उसके बाद तुम सैलोमैन का पैसा देना। तो ऐसे केस के अंदर जब बात कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है ना, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या कहा, समझना बात को। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि देखो यार, जब कंपनी एक इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसको बनाने वाला जो व्यक्ति होता है बेटा, वो बनाने वाला व्यक्ति अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है। कंपनी और उसको बनाने वाला व्यक्ति अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सैलोमैन के ऊपर भी हम केस करेंगे। या जो कंपनी की लाइबिलिटीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, डजेंट इवन मैटर वहां पे सैलोमैन है या कोई अदर व्यक्ति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिबेंचर्स है और सिक्योर्ड है, तो उसका रैंक हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? है ना? यस सर। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो सर हमने केस लॉ पूरा कौन सा देखा? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन वाली चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। इसके अलावा एक और केस यहाँ पे अपन ने देखा था, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कहता है कि मेंबर की तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है कंपनी के अंदर, मतलब एक मेंबर इंश्योरेंस भी नहीं निकाल सकता गुड्स के ऊपर खुद के नाम पर एज कंपेयर टू कंपनी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मैकाउरा करके बेटा एक व्यक्ति है और ये दूसरी यहाँ पे एक दूसरी कंपनी, ठीक है, और ये उसकी कंपनी है। तो मैकाउरा ही क्रेडिटर भी है बेटा, जो क्या करता है, जो टिम्बर वुड्स को कंपनी को बेचता है और कंपनी से पैसा लेता है, ठीक है। यस सर। अब मैकाउरा ने इसके ऊपर इंश्योरेंस निकाल के रखा है टिम्बर वुड्स के ऊपर। तो मैकाउरा का कहना है कि जब ये गुड्स भली मेरे कंपनी के अंदर भी जा रहे हो, तो मुझे दोबारा से इंश्योरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो ओनर है वो तो मैं ही हूं ना, मैक्सिमम शेयर्स तो मेरे पास ही है कंपनी के, तो मेरे नाम पे निकालो क्या, कंपनी के नाम पे निकालो क्या, एक ही बात है करके। और ये सोच के वो क्या करता है, वुडन लॉग्स को बेटा यहाँ पे जो टिम्बर वुड्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर देता है कंपनी के अंदर। अब होता कुछ ऐसा है कि कंपनी में आग लग जाती है। अब क्योंकि अब कंपनी में आग लग चुकी है, तो टिम्बर बचने वाले हैं क्या? नहीं सर, लकड़े तो बचने नहीं वाले, सबसे पहले लकड़े ही जलने वाले हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस के अंदर अब क्या हुआ, जब मैकाउरा जाता है नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी के पास, जो एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, कि मुझे मेरा क्लेम दे दीजिए करके, तो नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है। क्या बात कर रहे हो सर, रिजेक्ट कर देती है। क्या कह के रिजेक्ट कर देती है? ये कह के रिजेक्ट कर देती है। क्या कह के बताओ मुझे सर? ये कह के रिजेक्ट कर देती है कि ये जो टिम्बर, इसके ऊपर जो इंश्योरेंस निकाला गया था ना, ये मैकाउरा तुमने अपने पर्सनल कैपेसिटी में निकाला था। अगर तुम इसे कंपनी के कैपेसिटी में निकालते तो आपको इंश्योरेंस मिलता था, क्योंकि कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस नहीं है, अब आपको यहां पे नहीं मिलने वाला है सर। लेकिन अगर ये लकड़े मैकाउरा के पोजीशन में जब थे, तब अगर जलते, तब जरूर से क्लेम बनता बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, तब पक्के से क्लेम बनता था, है ना, तब बिल्कुल क्लेम बनता था। लेकिन क्योंकि अभी समझना, लेकिन क्योंकि अभी ये कहाँ पे है, अभी ये कंपनी के अंदर आ चुके हैं और ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पे कंपनी को इंश्योरेंस निकालना है। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीज है यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हो क्या? है ना? यस सर। चलिए आइए, ध्यान दीजिए। तो ये वाला केस कौन सा हुआ, मैकाउरा वर्सेज नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला केस यहाँ पे हो जाता है, और बहुत सारी चीजें अपनी यहाँ पे हो जाती है समाप्त। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स कम एंड गो बट कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। मतलब मेंबर आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेंगी। अब सुनो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है सर, यहाँ पे बेसिकली कहना क्या है, यहाँ पे कहना है कि अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर्स है या आपके कंपनी के चार मेंबर्स है, और चार मेंबर्स एक दिन ट्रैवल कर रहे थे कार से, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया बेटा, और चारों के चारों मेंबर्स है ना बेटा, समझिए स्वर्गवासी हो गए, तो ऐसे केस के अंदर क्या कंपनी को आप बंद करवा दोगे क्या? नहीं सर, कंपनी को आप बंद नहीं कर पाएंगे, कंपनी तो चलती रहने वाली है, क्योंकि कंपनी का परपेचुअल, क्या कहा मैंने, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है।
सभी लोग बताइए कंपनी का क्या होता है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब सर आप कंपनी को, अगर कंपनी अगर लॉ के द्वारा आई है तो कंपनी को मिटा भी कौन सकता है, केवल और केवल कंपनी को लॉ मिटा सकता है, उसके अलावा कोई और व्यक्ति मिटा सकता है क्या? नहीं सर, उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं मिटा सकता। जैसे देखो, मेंबर्स मे डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज बाउंड अप ऑन द स्पेसिफाइड ग्राउंड्स ऑफ द एक्ट। मतलब सर बोला जा रहा है कि यहां पे उसका कंपनी का एग्जिस्टेंस है ना, ये किसी भी डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स से कभी अफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं अफेक्ट होने वाला है, ऐसी वाली बात है, अमर रहे कंपनी, ऐसी वाली चीज भी क्या मैं बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। लेकिन उसका एंड पक्का है कब? जब क्रिएट करने वाला, मतलब लॉ ही अगर उसको मना कर दे कि भैया तुम तो धंधा नहीं कर सकते, तब वो डेफिनेटली मना किया जा सकता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे चल रही है। क्या आप मेरे स्पीड के साथ मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? फटाफट सारे के सारे लोग बताएंगे, है ना। ये रिविजन चल रहा है बेटा, देखना टाइटल पढ़ के आना, रिविजन है, रेगुलर क्लास नहीं है। जहाँ पे आप मेरे से पूछ रहे सर उसको थोड़ा सा ना और लेटा के पढ़वा दीजिए करके, ये रिविजन क्लास है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, रेगुलर क्लास भी यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है, सर्च करो और बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। चलिए आइए, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी। सर लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है सर कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड एक्सटेंट तक मानी जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकार की कंपनी आपकी होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो इस कंपनी के अंदर जो डेट्स होते हैं कंपनी के, वो टोटालिटी डेट्स ऑफ शेयर होल्डर नहीं बनते। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड ओनली ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब मैं अगर कहूं आपके साथ 10 रुपए का शेयर है बेटा, समझना बात को, 10 रुपए का अगर शेयर है और उसमें से 6 रुपए मेंबर ने पे कर दिए, तो बुरे से बुरे हालत में मेंबर्स को आप 4 रुपए ही बुलवा सकते हो मेंबर्स से। ये 4 रुपए आप कभी भी बुला सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एनी टाइम आप बुला सकते हो इस 4 रुपए को। मतलब सर वाउंड अप हुआ हो नहीं हुआ हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अधिकार है, कंपनी के पास अधिकार है कि वो ये 4 रुपए को क्या बुला सकते है क्या? हाँ सर, वो 4 रुपए को बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता है, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। उसके बाद देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब सर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो ऐसे केस के अंदर आप पैसा बुला सकते हो मेंबर्स से, लेकिन केवल और केवल तब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि कंपनी जब तक लिक्विडेशन में नहीं जाएंगी तब तक हम लोग क्या पैसा बुला सकते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे तब तक पैसा नहीं बुला सकते। मतलब सर आपका कहना है लिक्विडेशन का मतलब होता है जब लाइबिलिटी is greater than asset plus unable to pay dues. क्या कहा मैंने? Plus unable to pay dues. तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है सर? यहाँ पे ये होने वाला है, बताइए क्या होने वाला है कि कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी होती है और liability is greater than asset plus unable to pay dues वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे सर कि कंपनी की जो liability है ना वो लिमिटेड बाय गारंटी मानी जाती है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एक बेसिक सा डिफरेंस है, ऊपर वाले केस में आप कभी भी पैसा बुला सकते थे, इस वाले केस में आप तभी ही पैसा बुला सकते हो बेटा जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। मतलब अगर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं गई है तो आप पैसा बुला सकते हो क्या? नो नो नो, तब आप पैसा नहीं बुला सकते, ऐसी वाली चीज या ऐसी वाली बात यहां पे हो रही है। अब देखो, However, अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब जितनी कंपनी की यहाँ पे डेट्स है उतने पूरी की पूरी कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ पे आने वाली है, पूरी की पूरी लाइबिलिटी उतनी बन जाती है। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को देखते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अदर मतलब क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। वाह, क्या जबरदस्त टॉपिक दिया, मैं तो हिलीज गया पूरा। उसके बाद देखिए, इनका कहना है कि ये एक्चुअली जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट पढ़े थे ना, ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पॉइंट यहां पे रहने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को? सर एक्सटेंडेड पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड पॉइंट का ये मतलब होता है दोस्तों यहां पे कि यहां पे ये सेपरेट लीगल एंटिटी का ही कंटिन्यूएशन में बोला जा रहा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, तो कंपनी खुद के नाम पे असेट्स खरीद सकती है, बैंक अकाउंट्स खोल सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, ये सारी सारी चीजें कंपनी कर सकती है। उसके बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है, उसके बारे में यहां पे चर्चा हो रही है, तो ये वाली चर्चा यहां पे बोली गई है। तो कंपनी खुद के नाम पे केस भी कर सकती है और कोई व्यक्ति कंपनी के नाम पे भी केस कर सकता है, ऐसी वाली चीज है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद देखो क्या,
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपनी के जो जो अफेयर्स होते हैं कंपनी के, यानी कि जो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी है बेटा, वो कंट्रोल किए जाते हैं कंपनी के एजेंट्स के द्वारा। जो कौन होते हैं? जो कंपनी के एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टर्स, वो मेंबर्स के एजेंट नहीं होते। मेंबर्स ये नहीं बोल सकता कंपनी में जाके, मुखिया चल चाय ला, बोले तू डायरेक्टर है, मैं कंपनी का मेंबर हूँ, तू मेरा एजेंट है, तू कंपनी का एजेंट है और कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद के रखा हो, तो तू मेरा एजेंट, जस्ट चाय ला, थोड़ा सा पत्ती ज़्यादा डाली हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते, समझिए आप बात को बेटा। क्यों? क्योंकि वो आपके एजेंट नहीं है, है ना, वो कंपनी के एजेंट है और वो केवल और केवल कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें यहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा क्या वो कोई दूसरी चीजें यहां पे कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, फिफ्थ वाला पॉइंट, कॉमन सील के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। सर ये कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के पास एक बेस्टोर्ड किया गया है बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग। बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग का मतलब होता है कि कंपनी यहां पे सिंपल सी बात है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के बाद इनके पास है ना नेचुरल पर्सन जैसे हाथ वगैरह नहीं होंगे साइन वाइन करने के लिए, तो एक किससे साइन करे? तो एक कॉमन सील की मदद से साइन करता है। तो कॉमन सील का एक ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी बोला जाता है, जो कंपनी के बिहाफ में उसके ऑफिसर्स या मैनेजमेंट के लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन सील लगवाते हैं और डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल करवा देते हैं। हुआ क्या, 2015 में कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। इनका कहना है कि हो सकता है आपके पास कॉमन सील है, हो सकता है आपके पास कॉमन सील नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो आप इसको साइन करवा सकते हो दो डायरेक्टर के द्वारा, या आप साइन करवा सकते हो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा भी आप यहां पे इसको साइन करवा सकते हो। जहां पे भी सीएस को आपने अपॉइंट नहीं किया है ना, तो ऐसे केस के अंदर दो डायरेक्टर को यहां पे साइन करवा लेना, और जहां पे सीएस है तो उसके साथ एक डायरेक्टर मिलके क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और यहां पे सीएस का ऊपर मतलब है बेटा कॉमन सील। तो हमने क्या देखा, देख लिए कॉमन सील है तो कॉमन सील की मदद से साइन करो, कॉमन सील नहीं है बेटा तो दो डायरेक्टर की मदद से आप साइन करो, और अगर सॉरी सेक्रेटरी है तो आप एक सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन करेंगे, और सेक्रेटरी नहीं है बेटा तो दो डायरेक्टर यहाँ पे साइन करने वाले हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे चालू हो जाती है, या यहाँ पे ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सभी के सारे लोग समझे? वैसे आज से हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज चालू हो रहा है, जितना भी हमारे प्रीवियस आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे अब हम लोग क्वेश्चन बैंक के अंदर, क्वेश्चन बैंक के थ्रू अब पूरा पूरा सॉल्व करने वाले हम लोग, है ना। तो ऐसी वाली चीज होंगी, ये अच्छा हो जाएगा कि आपके पास यूनिट वाइज पूरे के पूरे डिस्कशन रहने वाले हैं। अब आज शाम में हम लोग कंपनीज एक्ट से शुरुआत करेंगे, इसलिए मैंने आज आपको रिवाइज करवा दिया बहुत सारी चीजें, ताकि कल आपका रिविजन कंप्लीट होगा कंपनीज एक्ट का सुबह 9 बजे, और लेकिन आज शाम से हम लोग क्वेश्चन देखना चालू कर लेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिविजन होने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व, अभी तक तो पढ़ाई है ना आपने, अभी तक तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, तो ऐसे वाले नहीं पढ़ा तो फिर जाने दो, अब कुछ बोलना ही नहीं है फालतू, और बोल दूंगा मैं, है ना। आओ अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो अभी एज ऑफ नाउ आपको आरटीपी एमटीपी नहीं दिखने वाला है, आपको क्वेश्चन बैंक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से दिखने वाला है आज का 8 बजे का सेशन, ठीक है। ऐसी वाली बात है। अब देखो जब से क्लास चालू हुई लगभग आधा घंटा हो गया, एक बच्चा वही कमेंट कर रहा है, सर ये दिसंबर के लिए जून के लिए, अरे कोई किसी भी चीज़ के लिए तू पढ़ना भाई, अगर तेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो पढ़, नहीं बेनिफिट मिल रहा है मत पढ़। बहुत ही मतलब सही में ना पूरा, कभी कभार ऐसा लगता है कि इतना अच्छा भगवान ने गिफ्ट दिया लेकिन गिफ्ट का प्रयोग ही नहीं करना है करके अपने को, है ना, मतलब पूरे खत्म। आओ ध्यान दो, फिर पूछते सीए का रिजल्ट कम क्यों आता है करके, देख लो, है ना। आओ अब अगर मैं बात करूँ आपके साथ, अब कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का मतलब क्या होगा सर? सर कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है यहाँ पे लीगल पर्दा करके, क्या होता है सभी लोग बताइए यहाँ पे, कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है लीगल पर्दा, क्या होता है सभी लोग बताएंगे, लीगल पर्दा, उसको वेल बोला जाता है, पर्दे को वेल बोला जाता है, और कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, लीगल पर्दे को बोला जाता है कॉर्पोरेट वेल, समझ रहे हैं आप बात को, लीगल पर्दा जब होता है ना तो कॉर्प, तो इन लोगों का क्या कहना है, ये देखो ये है बेटा मेंबर्स का हाथ, आप देखिए इसको कंट्रोल कौन, ये कंपनी है, ये जो है ना कंपनी है सर, कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनी को कंट्रोल मेंबर्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको सामने क्या नजर आ रहा है बताइए मुझे। सर हमको ये नजर आ रहा है कि हम तो कंपनी को ही डील, हमको तो पता ही नहीं ना पीछे कौन है और कौन नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर एक्चुअल में हमको सामने तो नजर आ रही है कौन, कंपनी, सारी चीजें कंपनी के नाम पर हो रही है, लेकिन उसको करवा कौन रहा है बेटा,
उसको करवा रहा है यहाँ पे, उसको मेंबर्स करवा रहे हैं। इसी को तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहूँगा मैं आपके साथ, कि मेंबर्स लोग अलग होते हैं और यहाँ पे ये लोग अलग होते हैं, बराबर ना, याद आ रहा है आपको? तो ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि कंपनी अलग होते हैं, मेंबर्स मतलब कंपनी मेंबर्स लोग अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। ठीक है सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से इतना समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये बताओ सर, देखो कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल मतलब एक ऐसा कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट जहाँ पे बेटा समझना, जहाँ पे क्या कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कंपनी, मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे, ये तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया ना। हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा, समझना बात को, देखो ये केस लॉ देख के आपको समझ जाएगा, ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, बस उसको अलग से कैसे बताने का, तो ये अलग से ऐसा बताया जाता है यहाँ पे कि नहीं नहीं ये तो कॉर्पोरेट वेल का नाम हुआ करके, उसका मतलब वही होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे members की जो members are shielded from the liability of company's action, मतलब company कुछ भी कांड करे उसके लिए आप members को जिम्मेवार ठहरा सकते हो क्या? नहीं सर, उसके लिए हम लोग members को जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। लेकिन अब कुछ ऐसे circumstances बन जाते हैं बेटा जहाँ पे हमको क्या करना होता है, जहाँ पे हमको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना होता है। थोड़ा सा तू लिफ्ट करा दे कॉर्पोरेट वेल को, यूज सरकार दे, मतलब मैं अगर बात करूं ना तो यहां पे अपने को कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेंबर्स लोग कंपनी के आड़ में कुछ कांड करे बेटा, कुछ खराब खराब कारनामे करे, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आपके साथ, आपको ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे को अब उठाने की आवश्यकता यहां पे आ रही है। आपको कहना होगा कि ये मेंबर्स लोग जो है और ये कंपनी जो है ना, ये एक है करके, ये अलग नहीं है, ये एक है, इनको पनिश करो, ऐसी वाली बात क्या, ऐसी वाली सरकमस्टांसेस क्या आ जाती है क्या? हां सर बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? हां सर। तो सर कौन से केसेस है जहाँ पे आप लिफ्ट करते हो कॉर्पोरेट वेल को? सबसे पहला कंसेप्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले कंसेप्ट के अंदर टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड, मतलब सर बोला जा रहा है यहाँ पे कि कैरेक्टर ऑफ कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जब भी आप चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, और दिल में आपको नजर आए कि यहाँ पे मेंबर्स में खोट है, तो बस उनको आपको पनिश करना है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? आप मुंबई जा रहे हो, मैं क्यों मुंबई जाऊंगा? इंडियन आइडल नागपुर आ रहा है बेटा, मैं मुंबई मुंबई नहीं जा रहा, समझ रहा? मैं कहां जाऊंगा? उनको जरूरत है टीआरपी की, वो आएंगे अपने पास, अपन कहां जाए, है ना? तो ऐसी वाली बात है। तो ऐसे सुनिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आप पूछिएगा, अगर आपको मजाक कर रहा है प्रणव सर ने कह दिया था सर आपका कॉन्सर्ट होना ही चाहिए, पहले ही बता रहे हम आपको, बाकी हमें एक बार का एक आधा इवेंट हम कैंसिल करवा देंगे शादी केस का, लेकिन आपका एक कॉन्सर्ट रखवाइएगा। और भाई साहब क्या बताऊँ मैं अब आपको, मतलब ऐसा मैंने चालू किया तो डेढ़ दो घंटे कहाँ चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला, है ना? अब क्या बताएंगे, चलिए आइए। और सुनो दोस्तों, ध्यान दो, मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, सुनिए 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 अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब सर यहाँ पे बोल रही है, देखो महाशय पार्ट वन तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा अभिषेक, और तुम पार्ट टू के बारे में पूछ रहे हो, पहले ये तो पढ़ ले ढंग से, है ना? ये तो तुमसे खाया नहीं जा रहा, और उसके बाद पूछ रहे हो कि यार और अब इसके बाद डेजर्ट क्या है, पहले थाली में जो है वो तो खा ले, है ना? ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, पूरा मतलब छोड़ो, जाने दो, आओ। तो डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे कि आखिर कंपनी का कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए सर, कंपनी के कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि कंपनी के फ्रेंड या एनिमी, मतलब उसको डिटरमाइन करना है, तो उस चीज के लिए पर्दे को उठाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, देखो यहाँ पे ये इंग्लैंड में बेटा कहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे देखो इंग्लैंड में बातचीत यहाँ पे चल रही है। ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सर एक कंपनी खोली है जिसका नाम है कंटिनेंटल टायर करके, क्या नाम है बताइए मुझे, कंटिनेंटल टायर करके नाम है, जिसके मेंबर्स में एक इंग्लैंड का और बाकी सारे के सारे जर्मन्स के है बेटा, समझना, बाकी सारे के सारे जर्मन्स है, ठीक है? और वो कंटिनेंटल टायर इंग्लैंड की दूसरी कंपनी जिसका नाम है डिमलर, वो डिमलर कंपनी से बेटा क्या करती है, धंधा करती है, उनको टायर बेचती है और उनसे पैसा इनका रिसीवेबल बचा हुआ है, मतलब उनको उनसे पैसा लेना है, और इसी बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में, किसके बीच में बताइए मुझे, जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में यहां पे वॉर डिक्लेयर हो जाता है। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों, अब सुनिएगा, अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, अब यहां पे क्या होता है, फिर ये जो कंपनी है ना कंटिनेंटल टायर, ये डिमलर से कहती है, डिमलर हमारा पुराना वाला जो हिसाब है एक बार उसको क्लियर करवा दो ना थोड़ा, तो अच्छा रहेगा, फिर मैं आपको अलग लॉट भेजूंगा, आप मेरे को पैसा देना, मेरे को थोड़ा पैसे वैसे की भी जरूरत
जरूरत है। तो डिमलर का कहना है, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता, तुम हमारे लिए एलियन एनिमी हो। मतलब वो एलियन एनिमी का मतलब होता है जब हमारे कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर चल रहा होता है ना, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में दूसरे कंट्री के लोगों को हम लोग एलियन एनिमी कहते हैं। तो गलत नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे इंग्लैंड, मुझे एक बात बताइए, डिमलर कंपनी का कंटिनेंटल टायर से कहना कि अभी वॉर चल रहा है और तुम हमारे एलियन एनिमी हो, हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, तो कंटिनेंटल टायर का कहना है कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं भी इंग्लैंड में बॉर्न हुआ हूँ, देखो मैं भी इंग्लैंड में बॉर्न हुआ, तुम भी इंग्लैंड में बॉर्न हुए, भाई भाई बहन बहन, समझ रहे बहन भाई। तो ऐसे केस के अंदर बोला ये जा रहा है कि मैं भी तो यार उसी इसमें ऐसी वाली चीज थोड़ी है था। तो यहाँ पे डिमलर एंड कंपनी ने क्या कहा, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो, और दिल में उतर कर देखा तो क्या नजर आया बेटा, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अदर मेंबर्स जर्मन है और केवल एक मेंबर यहाँ पे इंग्लैंड बना हुआ है। मतलब ये कंपनी को हम लोग क्या घोषित कर सकते हैं क्या, तुम तो यहाँ पे एलियन कंपनी हो करके, हाँ सर एलियन एनिमी करके हम लोग इनको घोषित कर सकते हैं, और ऐसे कंपनी के साथ डील करना, क्या आपको लगता है कि ऐसे वॉर के सर्कमस्टांस में, मतलब हम तुमको पैसा देंगे उसी से बॉम्ब खरीदो और उसी को हमारे ऊपर फोड़ो, ऐसी वाली बात आ जाएंगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या। यस सर। तो इसका फेमस केस लॉ है डिमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये बहुत ज्यादा फेमस केस लॉ है बेटा, जहां पे अपने को कैरेक्टर ऑफ कंपनी को डिटरमाइन करना है कि कंपनी क्या एनिमी है या कंपनी फ्रेंड है, उस चीज को यहाँ पे अपने को डिटरमाइन करना है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे। यस सर। अब देखिए दूसरी वाली बात हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे इसमें क्या दिया जा रहा है बताइए मुझे, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। जब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जब हम लोग टैक्स या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सभी लोग बताइए क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे जब टैक्स या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी आपको लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना होता है। इसमें एक बहुत ही खास केस लॉ है जिसका नाम क्या है बेटा, दिनशा मैनेजी पेटेट वाला। अब हुआ क्या था, ये जो दिनशा मैनेजी पेटेट है ना, मान लीजिए इनकी 30 लाख रुपए की इनकम है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ऐसा मान लो कि 10 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता है और 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको 20% टैक्स लगता है। मतलब 10 लाख तक 10% और उसके ऊपर गए तो 20%। अब मैं दिनशा मैनेज जी की बात करूं तो इनकी 30 लाख की इनकम थी जिनके ऊपर इनको 20% का टैक्स, मतलब 6 लाख रुपए इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा था। अब इन्होंने क्या सोचा, एक काम करता हूं करके 3 अलग अलग कंपनीज बना डालता हूं और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देता हूं। अब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर का डिविडेंड भी वो कंपनी के पास आएगा। मान लीजिए 10 लाख इसके पास आया, 10 लाख इसके पास आया, 10 लाख इसके पास आया। अब इस पे कितना लगेगा, 10% ही लगेगा क्योंकि इस कंपनी की इनकम तो 10% ही है ना। तो ऐसे केस में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए टोटल कितने हुए बेटा, 3 लाख रुपए बचा। कितना यहां पे 3 लाख रुपए की सेविंग कर लिया किसने, दिनशा मैनेजर पेटेट ने। लेकिन क्या आपको लगता नहीं, ये कंपनी का सोल पर्पस यहां पे धंधा करना नहीं था बेटा, ये कंपनी का सोल पर्पस था प्रॉफिट कमाने का, रेवेन्यू या टैक्स कमाने का इनका सोल पर्पस था। और ऐसे केस के अंदर अगर ये यहां पे टैक्स या रेवेन्यू बचाने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कराइए करके, क्या करवाइए बोलो जल्दी से, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करवाइए करके, ऐसी वाली बात यहां पे आ जाती है। मतलब अगर आप कुछ भी ऐसे कांड करते हो या आप कुछ भी ऐसे काम करते हो जिसके कारण गवर्नमेंट के रेवेन्यू का या गवर्नमेंट के टैक्स का नुकसान होता है, तो एक मेंबर को हम लोग कंपनी नहीं बनाने देंगे और हम लोग मान लेंगे कि ये तीनों कंपनीज जो है ना, ये एक ही की है, दिनशा मैनेजर पेटेट की, और 30 लाख की पूरी इनकम क्लब करवा देंगे दिनशा मैनेजर पेटेट के केस में। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे बोली जा रही है। अब तीसरा वाला पॉइंट बोला जा रहा है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। अब लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल ड्यूटी। सभी लोग बोलेंगे ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल ड्यूटी करके। तो ऐसे केस के अंदर सर मुझे आप एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि अगर मैं लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने कोई कंपनी बनाया हूँ, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे भी हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर डालते हैं। कंपनी का नाम देखिए यहाँ पे, द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेज एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनादर। मतलब ये वर्कमैन वर्सेज कंपनी का रिलेटेड केस था। अब उसमें कंपनी का नाम बहुत
इजी है आप लोगों के लिए एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज। तो केस कैसा हुआ समझना बात को, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज, इतना आसान यहां पे केस लॉ आ जाता है। अब इस केस लॉ में हुआ क्या दोस्तों, इस केस लॉ के अंदर कैसा हो गया मैं आपको समझा देता हूं चीजें। अब इस केस लॉ के अंदर हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए एक कंपनी है बेटा, अब कंपनी यहाँ पे सेल करती है, कंपनी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लाती है, परचेस करती है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लाती है, जीपी आता है, जीपी के बाद ये जीपी नीचे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे कुछ अदर इनकम होती है। अदर इनकम में अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो ये जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम में डिविडेंड की इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है, ऐसी बहुत सारी इनकम होती है, और आखिरी में फिर निकलता है आपका नेट प्रॉफिट। अब कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है बेटा लॉ के द्वारा कि इस नेट प्रॉफिट का 20% आपको वर्कर्स को क्या देना है, बोनस देना है। एग्जाम्पल के लिए 20% माना हूं मैंने, कुछ और परसेंटेज भी वहां पे हो सकता है, तो आपको बोनस बांटना है करके। लेकिन यहाँ पे कंपनी का ये सोचना है कि देखो यार ये अदर इनकम है यहाँ पे क्रेडिट में, इसलिए मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, अगर ये अदर इनकम को ही मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या आपको लगता है मेरा नेट प्रॉफिट, समझिए अब बात को, मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ना मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो मेरा बोनस भी कम होगा। तो कंपनी क्या करती है, एक अलग से कंपनी बनाती है और उस कंपनी में इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा हो वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देती है और वहां के स्टेक्स कंपनी खुद खरीद लेती है। स्टेक्स तो अब असेट में दिखने वाला है तो उससे नेट प्रॉफिट पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जब वर्कमैन को इसके बारे में पता चलता है तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, और कोर्ट का यही कहना होता है कि अगर आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, क्या कहा मैंने, अगर कोई आप लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए ऐसी कंपनी क्रिएट करोगे जिसे हम लोग शैम कंपनीज कहते हैं, तो यहाँ पे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा और ये जो कंपनी है और ये कंपनी है दो जिस्म एक जान माने जाते हैं, ऐसी वाली चीज या ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ गए क्या, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं सब। चलिए आइए ध्यान दीजिए उसके बाद, अरे बा बहुत ही हो गया, अरे यार मतलब चलो हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, आ जाइए, सुनो सुनो सुनो, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। और नेक्स्ट वाली चीज कौन सी बोली जा रही है सर, नेक्स्ट वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट करके। सर ये फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी को अगर आप यहाँ पे सब्सिडरीज बनाते हो कि हम एजेंट के तौर पर यहाँ पे काम करवाएंगे दूसरे कंपनी को, तो अगेन यहाँ पे चीजें चलने वाली है क्या, नहीं सर यहाँ पे चीजें नहीं चलने वाली है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। सर मतलब क्या, सभी लोग बताइए, मतलब ये बोला जा रहा है, देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्लीज फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। देखो क्या हुआ, अपने इसमें आरटीओ होता है ना, आपने सुना होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस होता है, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस करके, है ना, तो ये आरटीओ ने एक कंपनी को मना कर दिया कि तुम ट्रक्स नहीं चलाओगे क्योंकि तुम इल्लीगल एक्टिविटी करते हो यार, तुम इधर से उधर फ्लेमिंगो लेके जाते हो, तुम इधर से उधर ड्रग्स को मूव ऑन करते हो, तुम गलत गलत गाड़ियां चलाते हो, तुम्हारे ड्राइवर्स पीके गाड़ी चलाते हैं, बस खत्म हो गई बात, हम आपको काम नहीं करने देंगे, हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे करके टैक्सी का। ये एक कंपनी कह भी रही है यार ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया करके, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर फिर एक कंपनी क्या करती है, एक सब्सिडरी क्रिएट करती है बी कंपनी नाम से, और ये अप्लाई करती है आरटीओ के लिए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आरटीओ इन्हें भी मना कर सकता है क्या, हाँ सर आरटीओ इन्हें भी मना कर सकता है, मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे सब्सिडरी बनाते हो कि हमारे एजेंट के तौर पर वो काम करे करके, तो ये गलत नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है, और ऐसे केस के अंदर आप ऐसी किसी भी प्रकार की चीजें कर सकते हो क्या, नहीं सर आप ऐसे किसी भी प्रकार की चीजें नहीं कर सकते हो। मतलब बोला ये जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी को बना रहे हो कि ये हमारे कंपनी के एजेंट के तौर पर काम करे और हम उसके आड़ में कुछ गलत काम करवाए, लाइसेंस को इशू करवाए और बहुत सारी चीजें करवाए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको क्लियर कट बतवा देते हैं, समझ गए आप बात को, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ऐसी वाली चीज या ऐसी वाली बात हो गई है। ये पूरा केस लॉ कहां पे दिया गया है, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट, यहां पे मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन मतलब आपका आरटीओ हुआ और ये आपकी कंपनी हुई जो बेटा शाम कंपनीज बना रही थी, ऐसी वाली चर्चा या ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है, ठीक है। यस सर,
अब देखो, अगर कंपनी कोई फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए आती है तो ऐसे केस के अंदर क्या आप यहाँ पे कंपनी को वैलिड मानते हो क्या? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे कंपनी को वैलिड नहीं मानने वाले हैं, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है, इस कंपनी को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? है ना, एकदम आसान है क्या? यस सर, एकदम आसान यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब सर क्या बोला गया है, सभी लोग बताइए। सर बोला ये जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है, बोलो बोलो बोलो। सर बोला ये जा रहा है कि अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई जाती है, गलत काम के लिए बनाई जाती है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ये कहेंगे कि आप कंपनी नहीं बना सकते। जैसे कि देखो, गिलफ्रॉड मोटर कंपनी वर्सेज हॉर्न करके जो था, यहाँ पे क्या हुआ, गिलफ्रॉड मोटर ने यहाँ पे कंपनी बनाई बेटा। मतलब गिलफ्रॉड मोटर एक कंपनी से, जो कंपनी का नाम था गिलफ्रॉड मोटर कंपनी, वहां से हॉर्न व्यक्ति जो है ना, ये निकला वहां से, ठीक है। और हॉर्न ने क्या किया, अपने बीवी के नाम से कंपनी बना दी और सेम धंधा करता था जो गिलफ्रॉड मोटर कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर ये सही है या बहुत ज्यादा गलत है? सर ये बहुत ज्यादा गलत यहां पर माना जाता है, ऐसी वाली चीज है, ऐसी वाली बात यहां पर हो रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? हाँ सर, एकदम आसान तरीके से, एकदम ईजी हम लोग चीजों को समझ चुके हैं, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीजें यहां पे की जा रही है, ठीक है। आओ अब देखेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा चालू होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बवाल टॉपिक है, फटाफट फटाफट इसको क्लियर करना है अपने को। चलिए आइए, देखो क्या बोला जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो क्लासेस ऑफ कंपनीज में लिमिटेड बाय शेयर्स करके सबसे पहली कंपनी आती है। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर सर कहा जाता है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। क्या होती है बोलिए जल्दी से, वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। कितना होता है सभी लोग बताओ? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स जितनी लिमिटेड होती है। मतलब सर अगर 100 रुपये का शेयर है यहाँ पे और 90 रुपये आपने पे कर दिया, तो आप केवल और केवल 20 रुपये बुला सकते हो क्या? नहीं दोस्तों, आप केवल और केवल 10 रुपए बुला सकते हो, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं बुला सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब जितना अनपेड अमाउंट बचता है शेयर्स के ऊपर, केवल और केवल उसका पैसा ही आप बुला सकते हो, उससे ज्यादा का पैसा आप नहीं बुला सकते। यहां पे ऐसी वाली बात की जा रही है। और ये कंपनी के कुंडली में लिखा होता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, उसी के अंदर ये वाली चीजें यहां पे दी जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे? हां सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पे जो शेयर होल्डर होता है, ये को-ओनर ऑफ कंपनी होता है, कंपनी के असेट का को-ओनर नहीं होता। शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता मैंने 40,000 कंपनी में लगाया, ये एसी भी 40,000 का, काम करो मेरे को एसी दे दो करके, आप ऐसा नहीं बोल सकते बीइंग अ शेयर होल्डर। ऐसी वाली बात भी यहां पे आ जाती है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? तो इज अ को-ओनर ऑफ कंपनी एंड इज नॉट अ को-ओनर ऑफ कंपनीज असेट, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे हुई है सर। नेक्स्ट वाली चीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में यहाँ पे मेंबर्स है ना बेटा, मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे होती है। अच्छा सर, कितनी लाइबिलिटी होती है? लिमिटेड बाय मेमोरेंडम होती है ऐसे अमाउंट तक जो रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन बाय मेंबर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ कंपनी। कब? वाउंडिंग अप के केस में। मतलब सर आप क्या कह रहे हो यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के साथ कि कंपनी जो होती है ना, ये लिक्विड डेशन में जाती है, ये बैंकरप्सी में जाती है। आपने सुना होगा अभी अभी गो फर्स्ट एयरवेज करके बैंकरप्सी के लिए उन्होंने फाइल किया है। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है कि बस मुझसे और सहा नहीं जा रहा, मेरी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है मेरे असेट से और मैं कल चल के भी पे नहीं कर पाऊंगा ड्यूज को, मेरे पास कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं, तो उस चीज को बोला जाता है यहां पे क्या? लिक्विडेशन। तो क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो कुछ मेंबर्स आके एक प्री डिसाइडेड अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बेटा लिक्विडेशन के समय। मान लो सबने 10,000 रुपए वादा किया था और ऐसे 3 लोग हैं, तो लिक्विडेशन के समय आपको 30,000 रुपए देने होंगे। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे होती है, जिसको बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय गारंटी के केस में शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो कंपनी जब डूबती है तब पैसा देता है। अब आप कहोगे सर कंपनी डूब रही है, शेयर होल्डर को क्या फायदा होने वाला है ऐसा पैसा देके? बेटा यहां पे वादा किया जा रहा है, जब मैंने मान लो रिलायंस से वादा किया कि जब आप रिलायंस डूबोगे ना, मैं
मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा करके ऐसा मैंने वादा किया। अब रिलायंस डूब रही है क्या? अभी तो रिलायंस बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया मुझे डिविडेंड देती है, मैं एक शेयर होल्डर के तौर पर इज्जत मुझे मिल रही है, समझ रहे आप बात को? तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पे तो चलता है ना यार, ये तो फेवरेट डील है ना अपने लिए, क्योंकि कंपनी वैसी है। लेकिन वही अगर कोई दूसरी कंपनी हो बेटा, छोटी मोटी कंपनी जहाँ पर रिस्क ज्यादा हो, तो आप वहां पर कह सकते हो कि हाँ यार यहाँ गड़बड़ हो सकती है, समझ रहे आप बात को? तो इसलिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज भी यहाँ पे आती है। और अनलिमिटेड कंपनी तो आपको बताइए, अनलिमिटेड कंपनी में यहाँ पे जो लाइबिलिटीज होती है ये अनलिमिटेड मानी जाती है। किसके इसमें सर? किसके इसमें? अनलिमिटेड मानी जाती है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी, लेकिन वो केवल और एंटाइटल टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। मतलब सर मुझे आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपए यहाँ पे हो गए, ठीक है, 1,00,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो और 4 मेंबर्स हैं, तो हम चारों मेंबर से 2,50,000 रुपए बुला सकते हैं क्या अनलिमिटेड कंपनी के केस में? हाँ सर। मान लीजिए कोई मेंबर मौजूद नहीं और किसी ने दूसरे के पैसे दे दिया, तो वो दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से जिसने पैसे नहीं दिया उससे 2,50,000 रुपए अपने क्लेम कर सकता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, है ना, एकदम आसान है। यस सर। अब मैं अगर बात करूँ तो कुछ कॉमन फीचर्स क्या क्या है लिमिटेड कंपनी और गारंटी कंपनी के, एक तो पहली दोनों लीगल पर्सनालिटी क्लॉथ विद लीगल पर्सनालिटी होती है, और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। और इसके डिस्टिंक्शन की बात करूं तो गारंटी के केस में आप लिक्विडेशन के समय पैसा बुला सकते हो, और लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में आप कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी पैसा बुलाओ। क्या चलता है क्या पैसा? बिल्कुल चलता है सर। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, इसका एक केस यहां पर डिटरमाइन हुआ है। चलो क्या मैं आगे बढ़ू? सभी लोग बोलिए मुझे जल्दी से, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? 1% कंपनी को फटाफट पढ़ डाले क्या? हाँ सर, फटाफट 1% कंपनी को पढ़ डालते हैं और इसको निपटा डालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लेता हूं और फिर हम लोग चालू कर। वैसे आप सभी लोगों को बता दूं, क्या सर क्या बताना है आपको, कि हमारा कि यहां पे हमारा आप देख सकते हैं दिल्ली फेस टू फेस मैराथन होने जा रहा है। दिल्ली फेस टू फेस मैराथन कब कब होने वाला है? तो 26, 27, 28 और 29 को होने वाला है, सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। ये जगह डिसाइड हो चुकी है। और ये जगह कौन सी है बेटा? यहाँ पे जगह है बाबा पैलेस करके एक जगह है, वहाँ पे होने वाली है। और ये कहाँ पे है सर? लक्ष्मी नगर है, है ना। तो लक्ष्मी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 100 या 200 मीटर की दूरी पर ये हमने जगह रखी है, ताकि सारे के सारे लोग आ सके एकदम हैंडी तरीके से, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है ना। तो ये वाली चीजें जरूर से जुड़िएगा मैराथन के लिए। कौन से अटेम्प्ट के लिए? जून अटेम्प्ट के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन जब चालू हो जाएगा, तो इस जब आप देखोगे इसको बाद में, तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो हमारे इस सेशन के अंदर। क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझे, है ना, एकदम मजा आने वाला है। 4 दिन का पावर पैक सेशन है। पहले 26-27 को एमबी सर और मैं रहेंगे, 28-29 को एजे सर और डीजे सर रहने वाले। अब चारों दिन का कॉम्बो ले सकते हैं, या आप पहले 2 दिन का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या आप दूसरे 2 दिन का भी रजिस्ट्रेशन यहां पे ले सकते हो। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलिए आइए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज 1% कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर ये जो 1% कंपनी है ना, ये 1% कंपनी मतलब क्या होता है? 1% कंपनी सबसे पहली बात तो कंपनीज एक्ट 2013 की देन है। मतलब उससे पहले कंपनीज एक्ट 2000 मतलब उससे पहले सर कंपनीज एक्ट में 1% का कंसेप्ट ही नहीं था बेटा, कंसेप्ट ही नहीं था। मैंने क्या कहा? 1% का कंसेप्ट ही नहीं था। तो कंपनीज एक्ट 2013 की देन है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये इन्होंने 1% कंपनी को क्या कहा? 1% कंपनी को कहा कि यहां पे विच एज ओनली 1% एज अ मेंबर, केवल और केवल एक व्यक्ति यहां पे होता है एज अ मेंबर, उसके लिए 1% कंपनी बोला जा रहा है। ये क्यों लाया गया था? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस को प्रमोट कर सके, और ये प्रोप्राइटरी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से अलग होता है बेटा 1% कंपनी, समझना बात को। सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, 1% कंपनी के केस में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझे हैं? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझे हैं। अब सुनो बात को, अब ध्यान देंगे।
वन पर्सन कंपनी एक फॉर्म है बेटा, कौन से इसका, प्राइवेट कंपनी का, जिसके लिए आपको कितने मेंबर की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कम से कम आपको एक मेंबर्स तो रखना ही होता है। कितना मेंबर लगता है आपको, एटलीस्ट वन मेंबर आपको प्रेस्क्राइब किया गया, एक ही मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम एक नंबर यहाँ पे बोला गया, एक व्यक्ति मेंबर यहाँ पे बनने वाला है सर, ऐसी वाली चीज है। ठीक है सर, वन पर्सन एक्ट करता है मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो ओपीसी का जो मेमोरेंडम होगा, मतलब जो कुंडली होंगे ना, वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताने वाली है। क्या कहा मैंने, वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताने वाली है जो ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर की, अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो उसका जगह उत्तराधिकारी बनेगा कौन इस कंपनी का, तो उसे नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी का नाम आपको यहां पे देना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ऐसी वाली चीज बोली जा रही है। फिर अदर पर्सन यहां पे जो है ना, आपको उससे कंसेंट भी लेना होता है, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो ना, आप उससे भी कंसेंट मांगिएगा कि भैया आप जो नॉमिनी बन रहे हो, क्या आप तैयार हो नॉमिनी बनने के लिए, या आप नहीं बनना चाहते हो, उसके बारे में हमें बताइए। तो यहां पे बोला जा रहा है सर कि हमको ऐसे व्यक्ति का क्या लेना होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या कंसेंट भी लेना जरूरी है क्या? हां, कंसेंट भी है जरूरी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर बोला जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपने कंसेंट को, अरे कभी भी विड्रॉ कर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है। क्या बोला मैंने, एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सर क्या बोला जा रहा है, फिर बोलते हैं सर कि यहाँ पे जब विड्रॉ किया जाता है ना, तो मेंबर में एट एनी टाइम चेंज द कंपनी। देखो, नॉमिनी तो नॉमिनी के पास राइट तो होता ही है बेटा कि वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर मेंबर चाहे ना तो मेंबर भी नॉमिनी को बदल सकता है। अगर मेंबर की नई जम रही है नॉमिनी के साथ, बोले तो बस खत्म करो, उत्तराधिकारी को चेंज कर डालता हूँ, और वो क्या चेंज कर सकता है, क्या वो भी चेंज कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी पूरी चॉइस किसकी होती है, मेंबर की होती है। अगर उसको चेंज करना है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन देता है कंपनी को, और कंपनी फिर सेम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देती है कि हमने नॉमिनी को चेंज कर लिया है, कृपया करके आप भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपडेट कर लीजिए। फिर यहां पे बोला जा रहा है सर कि यहां पे जो चेंज है ना, क्या इस चेंज को अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के लिए बहुत सारे तामझाम होते हैं, तो हम नहीं चाहते वन पर्सन कंपनी इतना तामझाम करे। तो ऐसे केस में हमने कह दिया इसे अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम मत मानना। सर नॉमिनी कौन कौन बन सकता है या मेंबर कौन कौन बन सकता है? तो मैं अगर बात करूं, अगर आप नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन इंसान होना जरूरी है बेटा, जो इंडियन सिटीजन हो और रेसिडेंट इन इंडिया हो बेटा, फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब दोनों कंडीशन, इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और दूसरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऐसी वाली बात बोली जा रही है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रहा हो कम से कम 120 दिन ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, तो हम लोग यहां पर अगर यहां पर कोई ओपीसी बनाना चाहता है तो हम 22-23 के अंदर देखेंगे कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक उसका कैसे यहां पे रहने वाला है, या वो कितने दिन इंडिया में बसा है, उसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करते हैं। क्या वो ओपीसी बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, शाल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। और दूसरा, क्या वो नॉमिनी भी बन सकता है क्या? हां, वो बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनी भी बन सकता है। क्या मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी खोल सकता है? नहीं, एक व्यक्ति एक ही कंपनी के अंदर नॉमिनी रह सकता है और एक ही कंपनी के अंदर ये भी रह सकता है सर, मेंबर रह सकता है। मैंने आपको बताया था, ये वैसे इंटर का पार्ट है, कि अगर आप एक कंपनी, मान लीजिए आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट की है और दूसरे कंपनी के अंदर आप नॉमिनी बन के हो, और कल चल के वहां के मेंबर की डेथ हो जाती है और वहां पे भी आप मेंबर बन जाते हो, तो आपको 180 दिन के अंदर अपना क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है कि आप आखिर किसका होना चाहते हो, क्योंकि दोनों ने आपको हां कर दिया है, तो ऐसे केस के अंदर आपको कौन चाहिए यह आपको डिसाइड करना होता है 180 दिनों के अंदर सर, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। मुझे बताइए, आप ओपीसी को क्या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर डेफिनेटली कर सकते हो, आप एनबीएफसी एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते, और इसके अलावा अगर आप कुछ भी घपलू करते हो तो ऐसे केस के अंदर 10,000 से लेकर 1,000 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी कंपनी के ऊपर है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। ये वाली पूरी पूरी चर्चा यहाँ पे कर दी गई है, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब आने वाली चीज से रिलेटेड चर्चा करूंगा, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी बेटा, प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, समझना बात को, कैसी कंपनी? ऐसी कंपनी सर। प्राइवेट कंपनी के अंदर होता क्या है, प्राइवेट कंपनी के अंदर दोस्तों समझिए, प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब है, और जो अपने आर्टिकल से दो प्रकार की चीजें करती है। सबसे पहली बात, ये रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू
ट्रांसफर द शेयर्स, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम एक होना चाहिए, एक से लेके 200 तक की लिमिट है, मैक्सिमम 200 तक जा सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 200 तक जा सकता है सर। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक शेयर को जॉइंटली होल्ड करते हैं जॉइंट नाम से, तो ऐसे केस के अंदर हम उसे सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बेटा जो एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, जो अभी भी है या अभी पहले थे, तो उनको जब जिस समय शेयर्स अलॉट हुआ था ईसॉप के अंदर, तो वो शेयर्स को भी उनको भी हमें मेंबर्स के इसमें काउंट नहीं करना है। तो 200 के मेंबर्स की काउंटिंग की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो क्या क्या चीजें हमने देखा। सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं जॉइंटली, तो उन्हें एक काउंट कीजिए। अगर कोई एम्प्लॉय जो अभी भी एम्प्लॉय है या जो पहले भी एम्प्लॉय था बेटा, और उस समय उसको शेयर्स दिए गए थे और वो आज तक शेयर्स को होल्ड करके रखा है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग उन लोगों को भी क्या मेंबर्स के इसमें काउंट हम लोग करने वाले हैं क्या? नहीं सर, मेंबर्स के इसमें हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, एकदम बढ़िया है सर, एकदम फैंटास्टिक है। अब देखो क्या बोला गया, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर आ जाएंगे सभी के सभी लोग। अब देखो क्या, आओ सुनो, अब अगर हम लोग चर्चा करें आपके साथ, तो नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हैज बीन प्रिस्क्राइब, मिनिमम नंबर 2 होता है बेटा, मैक्सिमम कितना होता है 200 होता है, उसके बाद राइट टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर है क्या, स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी मानी जाती है और ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर ही फॉर्म होती है, इस चीज का आप ध्यान रखना होगा। अब सर ये स्मॉल कंपनी के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, क्या है सभी लोग बताइए, अदर देन पब्लिक कंपनी। अदर देन पब्लिक कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी में कह सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल बोला जा सकता है। अब स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो अदर देन पब्लिक कंपनी होती है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब और यहां पे टर्नओवर एज में भी प्रिस्क्राइब के बारे में यहां पे बात की जा रही है। सर यहां पे क्या चेंजेस कर दिए गए जरा मुझे बताइए, तो अब यहां पे बताइए क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। सर यहां पे चेंजेस हो चुके हैं 4 करोड़ और 40 करोड़, 4 करोड़ और 40 करोड़ रुपए यहां पे चेंजेस हो चुके हैं क्या, बोलिए मुझे जल्दी से। क्या मैं ऐसा कह सकता, 4 करोड़ और 40 करोड़ का चेंजेस है, सभी लोग मुझे बताएंगे अभी के अभी बताएंगे 4 करोड़ और 40 करोड़ मतलब क्या? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है और उसका साथ ही साथ उसका टर्नओवर अगर 40 करोड़ या उससे कम है, तो मैं कहूंगा वो प्राइवेट कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी कह देंगे। क्या कह देंगे? स्मॉल कंपनी कह देंगे, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। तो देखो मेरा क्या कहना है आप लोगों के साथ, सभी लोग फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। देखिए इन्होंने एक्ट के अंदर क्या देके रखे थे, इन्होंने सर एक्ट के अंदर यहाँ पे देके रखे थे कि पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब विच शाल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। मतलब हायर अमाउंट हम लोग रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगे, जो इन्होंने बाद में किया कितना 4 करोड़ रुपए अब कर दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 10 करोड़ से ऊपर जाना है तो आपको एक्ट के अंदर चेंजेस करना है, और एक्ट के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की आपको परमिशन लगने वाली है। तो ऐसे केस के अंदर 4 करोड़ के बारे में यहां पे बात किया गया है। अब दूसरा देखिए, अब समझिए बात को, दूसरा क्या, टर्नओवर के बारे में यहां पे बात किया जा रहा है। टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यहां पे अमाउंट लिखा था 20 करोड़ और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, अभी हायर कितना प्रिस्क्राइब कर दिया गया है 40 करोड़ किया है, लेकिन ये कितने से ऊपर नहीं हो सकता दोस्तों, ये ऊपर नहीं हो सकता, 100 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। मतलब सर बोला जा रहा है कि 4 करोड़ और 40 करोड़ का अमाउंट रहने वाला है क्या? हां 4 और 40 करोड़ का अमाउंट यहां पे रहने वाला है। अब सर कौन सी आखिर ऐसी कंपनीज होती है जो क्या नहीं बन सकती, जो यहां पे स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते हम लोग? तो अगर आपकी कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज के अंदर, सर यहां पे अगर कोई सेक्शन 8 वाली कंपनी है तो सेक्शन 8 वाली कंपनी भी हम लोग कहेंगे कि ये भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल के द्वारा कंपनीज आती है ना, तो वो कंपनीज भी यहां पे क्या बन सकती है क्या? नहीं सर, वो कंपनीज भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ये वाली पूरी चर्चा की हमने स्मॉल कंपनी से रिलेटेड। अब मैं आपके साथ आ जाता हूं पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है और जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है करके, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। सिंपल सी बात यह है बेटा कि ये एक चीज का ध्यान रखो, वो सारी कंपनीज जो अदर देन प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अगर कोई कंपनी
भली चाहे फिर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर वो सब्सिडरी होती है पब्लिक कंपनी की तो उसे हम लोग डीम्ड पब्लिक कंपनी कह देते हैं। मतलब आर्टिकल से भले वो कंटिन्यू करेंगी प्राइवेट, लेकिन वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मान ली जाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की यहाँ पे एक सब्सिडरीज है ए प्राइवेट कंपनी करके। अब ये भले आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट है, लेकिन फिर भी क्या मैं कह दूं कि इस चीज को हम लोग डीम्ड पब्लिक कंपनी कह देंगे? बोलो हाँ सर, डीम्ड पब्लिक कंपनी हम लोग इसको कह सकते हैं। बस यही वाली बात मेरे को आप लोगों के साथ कहना था, ठीक है? चलिए आइए, अब देखो ये बहुत फालतू बातें की इन्होंने, आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, डब्बे वाले चीज को। मैं आता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग मैं आपके साथ बात करूंगा। चलिए आ जाइए, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे, फटाफट सारे के सारे लोग आ जाओ, ठीक है? चलो आइए, देखिए क्या बोला जा रहा है। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरीज कंपनी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। सर ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जो होती है ना, ये क्या होता है दोस्तों? फटाफट सभी के सभी लोग बताइए, ये एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रिलेटिव टर्म्स होने का मतलब क्या होता है? रिलेटिव टर्म्स होने का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि ये मेरे पापा है तो पापा भी बोलने चाहिए ये मेरा बच्चा है करके, तो इसको रिलेटिव टर्म्स बोला जाता है, ठीक है? तो वन और मोर कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी कहते हैं, या एक से ज्यादा कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो देखो यहां पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर सब्सिडरी कंपनी होता क्या है। तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब एक कंपनी को मैं सब्सिडरी कह दूंगा इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी जब वो दूसरी कंपनी दो प्रकार की चीजें करती है। क्या बोला? देखिए यहां पे मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, ये ए कंपनी है करके, ठीक है? और इसको मैं बी कंपनी कह के पुकार देता हूं अभी, ठीक है? ए लिमिटेड बी लिमिटेड ऐसा समझ लो आप बात को, होशियारी मत जानना कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड होना करके, मैं नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है? आइए अब सुनो, ए कंपनी और बी कंपनी क्या करती है। मैं कह दूंगा आपके साथ कि ये जो बी कंपनी है ना, ये सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाएंगी और ये कहलाई जाएंगी होल्डिंग कंपनी। कब कहलाई जाएंगी सर? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सबसे पहली बात क्या? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब दूसरे कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर मैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता हूं तो उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को बोला जाता है सर, बोलो ना फटाफट, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं यहां पे कि ऐसे इसे 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 ये कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। या यहां पे बोला जा रहा है मोर देन 50%। क्या बोला यहां पे हम लोगों ने? मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर को कंट्रोल करते हैं, मोर देन 50% वोटिंग पावर को अगर कंट्रोल किया जाता है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि अगेन ये कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो हमने कहा एक कंपनी, हम लोग एक कंपनी को इन रिलेशन टू अदर टू कंपनीज को हम लोग कहेंगे कि सब्सिडरी कंपनी। कब? जब सबसे पहला कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता हो और दूसरा कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना। जैसे अगर 10 डायरेक्टर्स है तो मैं 6 को कंट्रोल करूं, जैसे अगर 20 डायरेक्टर्स है मैं 11 को कंट्रोल करूं, जैसे 25 डायरेक्टर है बेटा तो मैं यहां पे बात करूंगा आप लोगों के साथ 13 को मैं कंट्रोल करूं। मेजॉरिटी लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या रिमूवल जो है ना बेटा, वो अगर मैं बात करूं आपके साथ, उसको अपॉइंट या रिमूव मैं कर सकता हूं, तो ऐसे केस के अंदर मैं कंट्रोल कर रहा हूं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। तो इनका कहना है कि मैं जब कंट्रोल करूं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर को अगर एक कंपनी कंट्रोल करती है तो दूसरी कंपनी को हम लोग कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। क्या आप इस बात को समझ गए? क्या है ना? यस सर। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अगर आप इसको 51% कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं, क्योंकि समझना बात को, 100 में से अगर मैं बात करूं तो 51 यहां पे 51% जरूर होता है, लेकिन अगर यहां पे 1000 शेयर होल्डर हो जाए तो मेजॉरिटी 501 शेयर से ही यहां पे आ जाती है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आप वीक रह गए। आइए, तो कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, एक तो खुद से करे या वन और मोर सब्सिडरीज से करे, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग इसे क्या कहते हैं? हम लोग इस चीज को कहते हैं कि भैया ये एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कहा जाती है एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी, ये वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से हाँ सर। एक और चीज, अब कंसेप्ट निकला ही है तो बता ही देता हूं, एक कंपनी करके होती है, इसकी एक सब्सिडरी है बेटा जिसका नाम है बी कंपनी। अब ए कंपनी का डी कंपनी के अंदर जो है ना 20% का होल्डिंग है और बी कंपनी का डी कंपनी के अंदर 30% का होल्डिंग है, ठीक है? तो क्या मैं डी कंपनी को सब्सिडरी कह दूं? क्या नहीं बोल सकता, मोर देन 50% नहीं है, लेकिन इसका अगर 31% होता तो मैं कह दूंगा डी कंपनी जो है ना वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है ए कंपनी की। क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है ए कंपनी।
कि ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, तो खुद से करे या खुद से अलावा दूसरे से करे तो ऐसे केस के अंदर उसे भी हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। देखो, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है डिस्क्रिशन, उसके मन मर्जी पर अपॉइंट या रिमूव कर सकता है ऑल या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उस चीज को कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या आप इस बात को समझ लिए होंगे? अब आपको सब्सिडरी और प्राइवेट, मेरे हिसाब से सब्सिडरी होल्डिंग समझ गया होगा। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर कंट्रोल करती है दो प्रकार से, दो में से कोई भी एक प्रकार हो सकता है कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या दूसरा क्या हो सकता है बेटा, कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो उस चीज को दोनों में से कोई भी एक हो गया तो मैं कहूंगा दूसरी कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मैं उसका होल्डिंग कंपनी मान लिया जाता हूं। अब दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसका क्या होता है सभी लोग बताइए, जिसका होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बट समझना बात को, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। मतलब बोला जा रहा है देखो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन आप लोगों का है ना सब्सिडरी कंपनी नहीं बना रहे है। मतलब 50% तक मैं कहूं अगर आपके साथ 20% से ज्यादा जब होल्डिंग आ जाता है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आना चालू होता है लेकिन सब्सिडरी कंपनी नहीं बोला। तो 20-50% तक अगर आपकी होल्डिंग होती है तो मैं कहूंगा सामने वाली कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी आ जाती है, या सामने वाले कंपनी को आप एसोसिएट कंपनी कह सकते हो। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस। तो उस चीज को बोला जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों पार्टीज आती है साथ में और नेट असेट्स के साथ अरेंजमेंट करती है, उस चीज को बोला जाता है यहां पे जॉइंट वेंचर वाली चीजें। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी शेयर्स को फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड करती है तो क्या आप ये बोल सकते हो ये कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी या ये कंपनी हमारी एसोसिएट कंपनी बन चुकी है करके? नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं बोला जा सकता, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो 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 बोलो, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना? यस सर। चले आगे, चलिए आइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल से रिलेटेड हम लोग यहां पे बात करेंगे। दो प्रकार के यहां पे चीजें होती है, सभी लोग बताएंगे कितने प्रकार की चीजें होती है। दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है लिस्टेड कंपनी और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है या जो लिस्ट हो चुकी है, जिसकी सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आरएसई के ऊपर। किसके ऊपर? आरएसई, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है वहां पे हम लोग कहते हैं कि ये होता है लिस्टेड कंपनी। जैसे रिलायंस हो गया, जैसे अदानी हो गया, जैसे टाटा हो गया, जैसे बिरला हो गया, ये सारे लोगों के, सारे कंपनीज के जितने भी ये सिक्योरिटीज है ना बेटा, ये सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे आप लोगों के साथ ये लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब अदर देन, समझना बात को, अदर देन लिस्टेड कंपनी की जो कैटेगरी होती है वो अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 51%, नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% और मोर, क्या कहा मैंने, 51% और मोर, 51% और मोर जो है ना वो होल्ड किया जाता है एक तो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं उसे कहा जाता है कौन सी, गवर्नमेंट कंपनी। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए समझिए बात को, अगर एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है किसी गवर्नमेंट कंपनी की तो उसे भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाता है। ओके सर। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब जिसका जन्म हुआ है आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है कहाँ पे, इंडिया के अंदर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को फॉरेन कंपनी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। सभी लोग बताइए क्या ऐसी कंपनी बेटा जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है, तो उस चीज को बोला जाता है सर फॉरेन कंपनी का नाम यहाँ पे
दिया जाता है, किसका नाम दिया जाता है, फॉरेन कंपनी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। चलिए सेक्शन 8 कंपनी की ओर मूव ऑन करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी क्या कहता है, सेक्शन 8 कंपनी कहता है यहाँ पे ये आती है टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, तो मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं सर? तो याद करो स्कूल के अंदर आर्ट कॉमर्स साइंस होता है सर, स्पोर्ट्स भी होता है, कहने के लिए एजुकेशन है, फिर उसके अलावा रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और बाकी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये सारे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। अब कंपनी अपना जो प्रॉफिट है ना वो इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही लगाती है, और क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या? नहीं सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। मुझे एक बात बताइए, पावर किसके पास होता है लाइसेंस इशू करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है लाइसेंस इशू करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लाइसेंस में दे सकती है कि कंपनी आपको आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है ना ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम सच पर्सन, वो इस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा देती है और उन्हें कुछ प्रिविलेजेस या ऑब्लिगेशंस एंजॉय करने को मिलते हैं, जैसे एक लिमिटेड लाइबिलिटी को मिलते हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई थी। उसके अलावा सर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट को या कंडीशंस ऑफ द एक्ट को, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है लाइसेंस। उन्हें अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो वो रिवोक कर सकती है बेटा लाइसेंस को, और नाम लगा सकती है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे, कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द डाल देंगी। लेकिन ये सब करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है सभी लोग बताइए? अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड दिया जाता है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या ऑर्डर पास कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये ठीक है तो वो इसी कंपनी को अमलगमेट करवा देंगी कोई दूसरे कंपनी में जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है ना, तो उनके साथ क्या करवा देंगी, अमलगमेट करवा देंगी। या ये ऐसा भी कर सकती है कि इनके प्रॉपर्टीज को बेच बाच के एक काम करो, वाउंड अप कर डालो। वाउंड अप करने का मतलब होता है बेच डालो, असेट्स को बेच डालो, लाइबिलिटीज को पे कर डालो, उसे वाइंडिंग अप बोला जाता है। तो वाउंड अप भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है सर। अब यहाँ पे पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन की, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो ऐसे केस में पनिशमेंट लगने वाली है। अगर कंपनी गड़बड़ करती है तो इनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, और उसके अलावा अगर डायरेक्टर्स गड़बड़ करते हैं, डायरेक्टर्स या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से लेके 25 लाख तक की फाइन यहाँ पे लगने वाली है। और अगर कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से करता है, मतलब जिसके मन में ही खोट हो, तो उसे 447 के अंदर लपेट दिया जाता है या उसे 447 के अंदर यहाँ पे आ जाता है, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की गई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? बोलो मुझे, है ना? यस, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो आओ, अब हम लोग बात करेंगे डोरमेंट कंपनी से रिलेटेड, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है जो सेक्शन नंबर 455 के तहत आती है। सिंपल सी बात है, ऐसी कंपनी बेटा जो फॉर्म की जाती है या रजिस्टर्ड की जाती है इस एक्ट के तहत कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए, कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या कोई असेट को होल्ड करने के लिए, या किसी प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और इनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है क्या? नहीं सर, इनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। सच कंपनी, इसे हम लोग ये रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देके इन एक्टिव कंपनी का दर्जा यहाँ पे ले सकती है। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, जब कोई कंपनी फॉर्म की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है एक्ट के अंदर, सबसे पहली बात कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी प्रकार के असेट को होल्ड करने के लिए या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ इनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो ये रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं क्या बेटा, ये कहते हैं इनएक्टिव कंपनी का हमें दर्जा दे दीजिए या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इनएक्टिव कंपनी सेकंड पैराग्राफ के अंदर समझाया गया है, इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो यहां पे क्या किया जा रहा है, देखो ऐसी कंपनी जो बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर रही, ऑपरेशंस को कैरी ऑन नहीं कर रही, और ना ही इनका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 2 सालों में, ठीक है, पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंट
अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर, और यही नहीं अभी तो और सुनो, इसके अलावा इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है पिछले 2 साल के अंतर्गत, तो ये इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस यहाँ पे ले लेती है, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस यहाँ पे ले लेती है। अब समझना बात को, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अपन ने ऊपर देखा था ना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारे सिग्निफिकेंट, मतलब ये 4 हुए तो इनसिग्निफिकेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कौन सा? सबसे पहला पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार, सबसे पहला क्या होता है बोलो, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। दूसरा क्या बोला जा रहा है, पेमेंट बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। तीसरा क्या बोला जा रहा है, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। और चौथा क्या बोला जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो देखो, सबसे पहला फीस बोला गया रजिस्ट्रार की, दूसरा बोला गया पेमेंट्स मतलब फीस एक्ट की, तीसरा बोला जा रहा है जो अलॉटमेंट के लिए आप पैसा कलेक्ट करते हो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट के लिए, तो अगेन ये तीसरा ट्रांजेक्शन। और चौथा बोला जा रहा है कि आप ऑफिस या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अगर कोई भी आप पेमेंट वगैरह करते हो, तो उस चीज को भी हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपके साथ, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे हो रही है। क्या आप इस बात को समझे? बोलो दोस्तों, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या, है ना? 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम लोग कहेंगे कि सिग्निफिकेंट नहीं है। पहला फीस दिया रजिस्ट्रार को, फीस दिया एक्ट के हिसाब से। तीसरा बोला जा रहा है कि शेयर्स को अलॉट करने के लिए अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला क्राइटेरिया आप करते हो। चौथा यहां पे क्या बोला जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए अगर आप पैसा देते हो, तो ये इनसिग्निफिकेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। सर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझना बात को, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, ये इंस्टीट्यूशन एक प्रकार से ना गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन, ये पीएफआई का मतलब समझ लो, ये पूरा गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक इसके अंदर होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा आता है, समझना, इसके अंदर स्पेसिफिक एक्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे LIC है यहां पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, जैसे UTI है ना, तो यहां पे स्पेसिफिक एक्ट आता है और उस एक्ट के तहत 51% और मोर की होल्डिंग यहां पे किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसे PFI बोला जाता है। क्या बोला जाता है सभी लोग बताइए, PFI उस एक्ट को या उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग कहते हैं। अब देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। सर, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या क्या आता है, तो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखिए सबसे पहले प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, तो प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहली बात जिसका नाम होता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर या एनुअल रिटर्न के अंदर जो आइडेंटिफाई किया गया, या दूसरा व्यक्ति जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ कंपनी को, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स ऑफ कंपनी का मतलब होता है जो बिजनेस को कंट्रोल करे, अफेयर्स को कंट्रोल करे, तो ऐसे केस के अंदर उस चीज को बोला जाता है कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और तीसरा क्या बोला जा रहा है सभी लोग बताइए, तीसरा बोला जा रहा है यहां पे कि यहां पे इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, आखिर वो किससे पूछ के डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति को भी हम लोग प्रमोटर कह देते हैं। 3 प्रकार के प्रमोटर, सभी लोग बताइए मुझे 3 प्रकार के कौन कौन लोग प्रमोटर कहा जाता है, जिनको यहां पे प्रोस्पेक्टस में जिनका नाम यहां पे या एनुअल रिटर्न में जिनका नाम है, जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय आइदर शेयर होल्डर या ऑफिसर। तीसरा बोला जा रहा है जिनके एडवाइस डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, अकस्टम टू एक्ट का मतलब क्या होता है, जिनकी बोर्ड, जिनके सुन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पे कामकाज करते हैं, वैसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? हां सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग सारे चीज को समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे फटाफट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर बात करेंगे। सर, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के कैसे की जाती है, तो अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग लगते हैं, अगर आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करना है तो आपको यहां पे 7 या 7 से ज्यादा लोग लगते हैं, और अगर आपको ओपीसी फॉर्म करना है तो आपको 1 मेंबर यहां पे लगता है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। तो 7, 2, 1 प्राइवेट कंपनी, पब्लिक और ओपीसी, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ
कंपनी की प्रोसेस यहाँ पे चालू होने जा रही है। सेक्शन नंबर 7 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब सेक्शन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लो यहाँ पे। सेक्शन नंबर 7 आपसे कहता है, प्रोसीजर्स बताता है आप लोगों को कि कैसे आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, कैसे आप कंपनी को फॉर्म करते हो या कैसे आप कंपनी को यहाँ पे बनाते हो, उसके बारे में प्रोसीजर्स आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो पहला डॉक्यूमेंट्स MOA और AOA जिसको साइन किया जाएगा ऑल सब्सक्राइबर्स के द्वारा, तो वो डॉक्यूमेंट। दूसरा यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लगता है। किससे डिक्लेरेशन लगता है? प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन लगता है, जैसे एडवोकेट, जैसे CA, जैसे CS, जैसे CMA, जो इन प्रैक्टिस होते हैं और जो और समझ रहे बात को। एंड बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, जो डायरेक्टर मैनेजर होते हैं कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट है ये कंप्लाई किया है इन्होंने, ये सारे सारे चीजों के रिगार्डिंग इनसे डिक्लेरेशन लगने वाला है। तो बताइए मुझे डिक्लेरेशन किन से लगता है? दो लोगों से, एक तो प्रोफेशनल से और दूसरा डायरेक्टर से। प्रोफेशनल की मैं बात करूं आपके साथ CA, CS, CMA, एडवोकेट मैंने आपको बताया, और दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी है ना, इनसे भी अपने को डिक्लेरेशन लगने वाला है कि इस एक्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है ना, हमने सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है और सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल किया है, ऐसी वाला डिक्लेरेशन आपको लगेगा। दूसरा तीसरा डिक्लेरेशन क्या? डिक्लेरेशन अब सब्सक्राइबर्स से आपको लगने वाला है। सब्सक्राइबर्स टू MOA कौन होते हैं? जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स कल्चर के बनने वाले हैं, उसे हम लोग कंपनी बनने से पहले सब्सक्राइबर्स टू MOA बोला जाता है। हम लोगों को इनसे डिक्लेरेशन तीन प्रकार की चीजों से रिलेटेड लगने वाला है। सबसे पहला, ही इज नॉट कॉन्विक्टेड। नॉट कॉन्विक्टेड का मतलब होता है नॉट प्रूव्ड गिल्टी, मतलब उसको वो किसी भी प्रकार से गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास हो जाना, कोर्ट के द्वारा प्रूव हो जाना कि आप गिल्टी हो, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे इज नॉट कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। किसी भी प्रकार का ऑफेंस के लिए हम कॉन्विक्ट नहीं है जो प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो। दूसरा, हम गिल्टी नहीं है फ्रॉड या मिसफेंस के लिए या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए, हमने किसी भी प्रकार की ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की है कंपनी बनाते वक्त, है ना, तो हमने किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया, और अगर किया भी है तो 5 साल बीत चुके हैं, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। और तीसरा बोला जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए रजिस्ट्रार को, हमारे नॉलेज में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे हुई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया। उसके बाद देखो, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस आपको बताना होगा। इसके अलावा फिर आपको पर्टिकुलर्स देना होता है, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी का, जो सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA के तहत होता है, जिसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आपको देना होता है। नीचे के केस में भी सेम डिटेल्स देना है डायरेक्टर्स की, लेकिन उसके साथ साथ DIN नंबर भी आपको लगता है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको लगता है। और आखिरी में बोला जा रहा है क्या, कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है फर्स्ट डायरेक्टर्स करके, तो उनका कंसेंट आपने को लेना है कि भैया आप वाकई में फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट डायरेक्टर नहीं बनना चाहते हो, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप सारे सारे समझे क्या? शाह कह रहा है कि सर भारत पे के फाउंडर तो गिल्टी प्रूव है फिर भी उन्होंने कंपनी बना ली, कहाँ पे गिल्टी प्रूव हुए? कोर्ट ने तो नहीं उनके उसके ऑर्डर के खिलाफ पास किया। मैं कह देता हूँ शाह चोर है करके, मान लो मैंने कहा कि शाह साहिर चोर है करके, ये इन्होंने कंपनी में धोखाधड़ी की है, तो मेरे बोलने से आप गिल्टी प्रूफ करार कर दिए जाओगे क्या? नहीं करार कर दिए जाओगे ना, ऑब्वियस ही बात है। जब तक कोर्ट आपके खिलाफ ऑर्डर पास नहीं करता तब तक कैसे गिल्टी हो सकता है ना, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आती है। तो डिपेंड वही करता है कि जब तक कोर्ट प्रूव नहीं कर देता, लोग तो कहने वाले हैं, लोगों का तो काम है कहना, समझ रहे हैं आप बात को, लेकिन ऐसे केस के अंदर कोर्ट के द्वारा यहाँ पे प्रूव होना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, चलिए आइए। चलो सर अभी तक ऑर्डर नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी ऑर्डर लेके निकल रहा हूँ, एक एक मैं पोस्टमैन ही तो हूँ ना बेटा, और हूँ क्या मैं पोस्टमैन ही, तो ऑर्डर नहीं आया, ये नहीं आया, मैंने आपसे पहले ही कहा था बेटा ब्लिंकिट नहीं है जो 18 मिनट में डिलीवरी कर दूंगा करके, है ना, समझिए बात को। इंडिया पोस्ट है, समय लगता है, आओ। आओ नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, आ जाइए। चलो क्या बोला जा रहा है अगला देखेंगे, फटाफट 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 सारे के सारे लोग आ जाओ।
चलो जिन लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है फटाफट लेक्चर को लाइक कर दीजिए जल्दी से आओ। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ सेकेंड वाला पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के इसके बाद इशू ऑफ, एक मिनट मैंने ना इसका बहुत ज़बरदस्त चार्ट बनवाया था, अब देखता हूँ मेरे को चार्ट मिल जाए, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। हाँ देखो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना होता है यहाँ पे। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दे दिए ना, ये देखो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने इतने दे दिए ना, सात नंबर। ये अपन ने देखा MOA AOA, फिर डिक्लेरेशन लगता है यहाँ पे, फिर डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर से लगता है कि इज़ नॉट कॉन्विक्टेड, लास्ट फाइव ईयर्स में किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड ट्रू, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस दिया जाता है, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA जिसके अंदर नेम सरनेम एंड एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट डिटेल्स एज प्रिस्क्राइब। यहाँ पे सब्सक्राइबर से जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने वाले उनकी भी चीज़ें, बस इसके अंदर देखो डिन नंबर भी यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ जो कंसेंट है ना, वो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स का कंसेंट यहां पे लगने वाला है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जब आरओसी के पास चले जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है, और ऐसे केस में ये एक प्रूफ होता है। क्या होता है सभी लोग बताइए मुझे, ये एक प्रूफ होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है सभी लोग बताइए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इसके अलावा बोला जा रहा है फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां पे सिन नंबर इशू किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिजर्व करके रखना होता है जब तक आपकी कंपनी डूब नहीं जाती, मतलब डिसोल्यूशन तक आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके यहाँ पे रखना होता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। तो ये दो तीन और चार ये वाले पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए आइए अब फिफ्थ वाले पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा, फर्निशिंग ऑफ द फॉल्स या करेक्ट इंफॉर्मेशन या सप्रेशन ऑफ अ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर बोला जा रहा है यहाँ पे जब मैंने कंपनी को, जब मैंने आरओसी को डॉक्यूमेंट्स दिया ना, तो कंपनी बनने से पहले ही यहाँ पे फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, क्या कहा मैंने सभी लोग बताइए, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे दिख जाता है या फॉल्स या इनकरेक्ट पाया जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसे कि इसके अंदर जितने भी व्यक्तियों ने ये फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है ना बेटा, तो हम लोग कहेंगे इनको 447 के अंदर लपेट दीजिए। किसके अंदर लपेट दीजिए बताइए मुझे जल्दी से, 447 के अंदर इनको लपेट दीजिए, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। मतलब सेक्शन नंबर 447 के अंदर यहां पे डाल देंगे क्या? हां सर, सेक्शन नंबर 447 के अंदर यहां पे चीजें डाल दी जाएंगी, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। मतलब जो भी व्यक्ति जिम्मेवार होंगे उन वो व्यक्तियों को 47 के अंदर हम लोग पेनल्टी लगवाने वाले हैं। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है सिक्स्थ वाले केस में, जो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बाय फर्निशिंग रॉन्ग या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन या बाय सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि सबसे पहली बात तो अगर हम लोग बात करें तो कंपनी को हम लोग हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय मटेरियल फैक्ट या डिक्लेरेशन फाइल, द प्रमोटर्स एंड द नेम्स जिनको अपन ने फर्स्ट डायरेक्टर्स बोला है ना बेटा, और साथ ही साथ द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर दिस, क्या बोला मैंने यहाँ पे समझिए बात को, अंडर दिस शैल बी लायबल फॉर एक्शन ऑफ द फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। मतलब सर क्या बोला जा रहा है, मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति यहाँ पे भी 447 के अंदर ही लपेटा जाएगा, किसको, फर्स्ट डायरेक्टर्स को, या जो पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, याद है आपको CA CA CMA वाला यहाँ पे बात हुई थी, फिर अगर उसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया तो 5 साल के लिए वो कंपनी, 5 साल के लिए फिर वो चीजें नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो वैसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। मतलब सर सिंपल सा क्या कहना है मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर, अच्छा अब आप कहोगे सर अगर कोई CA CA CMA डिक्लेयर हुआ तो वो भी 5 सालों के लिए फिर ऑडिटर नहीं बन सकता है कंपनी का, ऐसा भी एक प्रोविजन है जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हो, बट हां इसका रेलेवेंस बाद में भी आता है, ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि CA CA CMA बच जाएंगे करके उनको कुछ नहीं होगा, उनको भी होगा, वो भी फिर काम नहीं ले पाएंगे, ऐसी वाली बात यहां पे आती है, ठीक है। चलिए आ जाइए अब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, एक बार अगर यहां पे ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो भी गलत हुआ है करके, नहीं नहीं कुछ तो भी तो पक्के से गलत हुआ है, तो ट्रिब्यूनल यहां पे क्या कर सकता है समझिए बात को, देखो यहां पे क्या बोला गया, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो अगर पर्सन को पहले से पता था उनको 447 के अंदर लपेट दो, और अगर पर्सन को नहीं पता था बेटा तो यहां पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो भी प्रमोटर होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर होंगे और पर्सन जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया, उनको 447 के अंदर लपेट दिया जाएगा और उनको पेनल्टी यहां पे लगाई जाती है। इसके अलावा देखो अगर यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहां पे अगर ट्रिब्यूनल, यहां पे कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल को है ना
यहाँ पे डायरेक्शन देता है या ट्रिब्यूनल को यहाँ पे है ना एप्लीकेशन सबमिट करता है, और ट्रिब्यूनल यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि हाँ यहाँ पे कंपनी वाकई कुछ तो भी गलत कर रही है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। कौन से प्रकार के ऑर्डर पास कर सकता है? चार प्रकार के ऑर्डर। एक तो मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा, मतलब क्या करेगा, जैसे येस बैंक के मैनेजमेंट को हटा के SBI के लोगों को वहाँ पे बैठा दिया गया था, वो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था, NCLT ने ऑर्डर पास किया था, तो रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है। मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। फिर जो नेम, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर नेम है ना, उसको रिमूव कर सकता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के नाम को। इसके अलावा सर बाइंडिंग अप करवा सकता है, किसका, कंपनी का बाइंडिंग अप करवा सकता है। ऐसी वाली बात है, मतलब असेट्स को बेच के लायबिलिटी को फुलफिल यहां पे करवा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर करवा सकता है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? तो देखो क्या बोला गया, अगर कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन देता है, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए। मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, यहां पे जो नेम है उसको स्ट्राइक ऑफ कर सकता है कंपनी के, और बाइंडिंग अप भी करवा सकता है सर कंपनी का। क्या करवा सकता है? बाइंडिंग अप भी करवा सकता है सर कंपनी का, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। लेकिन ये सब कारणों से पहले क्या आपको लगता नहीं, आपको ROBH देना होगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड यहां पे देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर यहां पे देना होगा, ROBH यहां पे लगता है। और जो भी ट्रांजैक्शन आपने एंटर किए ना, ट्रिब्यूनल उसको भी एक बार चेक करता है कि यार ये ट्रांजैक्शन आखिर हुए क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं, कंपनी की इच्छा तो थी नहीं फ्रॉड करने की, बट गलती से फ्रॉड हो गया, ऐसी कुछ तो चीज नहीं है, उसको भी क्या ट्रिब्यूनल यहां पे देखता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर देखता है, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना? यस सर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे ROBH हुआ, सभी लोग ध्यान दीजिए, और ट्रांजैक्शन को आपको पहले चेक करेंगे, कंसीडर करेंगे ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलिए परफेक्ट है, आगे बढ़े क्या, है ना? यस सर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कहता है, जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, तो जिस दिन वो रजिस्टर हो चुकी है उसके बाद से उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आ जाती है। मतलब वो खुद के नाम पे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, वो खुद के नाम पे धंधा कर सकती है, वो खुद के नाम पे ट्रांजैक्शंस कर सकती है, तो उसे बोला जाता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोला जाता है सभी लोग बताइए? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जाती है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, ये है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अभी वाला जो पढ़ा और ये वाला टॉपिक भी, ये क्या कहता है बतवा देता हूं। सेक्शन नंबर 10 मिनट के अंदर, सेक्शन नंबर 10 कहता है कि जहां पे MOA और AOA रजिस्टर हो जाते हैं, बेटा जहां पे MOA और AOA रजिस्टर हो जाते हैं ना, तो ऐसे केस के अंदर ये MOA और AOA रजिस्टर होने के बाद मेंबर्स को यहां पे इसको फॉलो करना होता है, और डायरेक्टर्स को भी इसको यहां पे फॉलो करना होता है। जो भी चीज है, भले मेंबर्स का डेट भी ड्यू हो ना बेटा, तो वो भी MOA AOA के हिसाब से ही फुलफिल यहां पे किया जाता है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। मतलब सर जो सिंपल सी बात ये बोला जा रहा है कि जो MOA और AOA होता है, वो MOA और AOA के अंदर दोनों को फॉलो करना होता है, चाहे आप मेंबर्स हो चाहे आप डायरेक्टर्स हो, आपको दोनों को ये वाली चीज क्या फॉलो करना है क्या? हाँ सर, दोनों को प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो करना है, ऐसी वाली बात है, ऐसी वाली चीज है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बच्चा कंसेप्ट एकदम, आप पढ़ सकते हो, मैं जानता हूं। मैं आता हूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, शेयर्स के ऊपर मैं आ जाता हूं फटाफट, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, बाद में कोई कमेंट में लिख मत देना, अरे यार टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तो बताए नहीं, ओ माय गॉड, मैं तो 11th 12th ही नहीं हूं करके, सर मैं कैसी करूंगी, मैं कैसे लिखूंगी अथराइज शेयर कैपिटल, है ना? तो ऐसे फालतू जलालतू कमेंट्स मत डालिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, रिवीजन है तो तेजी में ही होने वाला है। कुछ लिखते हैं सर रिवीजन कितना फास्ट लग रहा है करके, अरे येड़े तो रिवीजन है तो फास्ट ही होगा ना, रिवीजन स्लो थोड़ी होता है कभी, ये तो बहुत ही सर सुपर फास्ट गाड़ी है लेकिन हर एक स्टेशन पर रुकना चाहिए, अरे कमाल करते हो यार, बहुत ही हो गया ये तो, है ना? चलिए आइए, अब चलो मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा, आ जाइए फटाफट सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। देखो ध्यान दो, शेयर, अब हम लोग बात करेंगे शेयर्स के अंदर, बात करने वाले दो प्रकार के इस दुनिया में शेयर्स होते हैं। कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं सभी लोग बताइए? दो प्रकार के यहाँ पे शेयर्स होते हैं। कितने दो प्रकार के, कौन से है सर? एक है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी में भी दो प्रकार की चीजें है यहाँ पे, पहला क्या विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और दूसरा क्या विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ऐसा यहाँ पे बोला
जाता है। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि दो प्रकार के शेयर्स होते हैं ना, हाँ दो प्रकार के शेयर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है मैं यहाँ पे श्रेया को बेच सकता, श्रेया यहाँ पे और किसी को बेच सकती है, और कोई यहाँ पे और किसी को बेच सकता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी इस चीज को कहा जाता है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, तो उस चीज को मैं मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे देता हूँ। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ नेक्स्ट वाली चीज के अंदर, शेयर शैल बी नंबर्ड। शेयर शैल बी नंबर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है कि जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, ये डिस्टिंक्टिव नंबर के होते हैं, अलग अलग आइडेंटिफाइड नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, तो जिसे डिस्टिंक्टिव नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? जिस पे डिस्टिंक्टिव नंबर कहा जाता है। मतलब हर एक शेयर्स की क्या अलग अलग नंबरिंग होती है क्या सर? हाँ, हर एक शेयर्स की अलग अलग नंबरिंग होती है और हर एक व्यक्ति इसके अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। चलिए आइए ध्यान दीजिए, तो अगर अब मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखिए काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो क्या बोला जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऐसा पार्ट ऑफ कैपिटल जिसमें प्रेफरेंशियल राइट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है सभी लोग बताइए? प्रेफरेंशियल राइट इन्वॉल्व होता है दो प्रकार के चीजों से रिलेटेड। सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या कहा मैंने? सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट वाला अमाउंट। सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ अमाउंट। मतलब बोला जा रहा है कि अगर इस दुनिया में जब डिविडेंड बांटने की बारी आएंगे तो सबसे पहले थाली या कटोरा लेके कौन लोग खड़े होंगे? भैया प्रेफरेंस होंगे, और उसके बाद अपन इक्विटी वालों को देंगे या नहीं देंगे ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात मेरा क्या कहना है, सबसे पहला प्रेफरेंस टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले इन लोगों को डिविडेंड देना है, और दूसरा रीपेमेंट। कल चल के अगर हमारी कंपनी डूबती है, मतलब अगर हमारी कंपनी वाइंडिंग अप की जाती है, तो ऐसे केस के अंदर रीपेमेंट, कैपिटल का रीपेमेंट करने के लिए भी हम लोग किसे करेंगे? इन लोगों को रीपे करेंगे क्या? हाँ सर, हम लोग इन लोगों को रीपे करेंगे, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो हमने क्या कहा बताइए, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हैज बीन पेड वेदर और नॉट प्रेफरेंशियल राइट अमाउंट फिक्स प्रीमियम। तो सबसे पहले इन लोगों को यहाँ पे किया जाएगा, देख लो यहाँ पे लिखा है वाइंडिंग अप के समय, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, बराबर ना? तो उनके पास दो प्रकार के राइट्स होते हैं। सभी लोग बताइए कौन से दो प्रकार के राइट्स होते हैं? सर दो प्रकार के राइट्स बोलो, दो प्रकार के सर ये राइट्स होते हैं। सबसे पहला एक तो रीपेमेंट से रिलेटेड, कब? जब वाइंडिंग अप वो हो रहा है तब, और दूसरा डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तब भी इनको सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग सारी चीज को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आइएगा ध्यान दीजिएगा। अब इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसा कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स ऑल कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलो तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, प्रेफरेंस को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? हम लोग कहते हैं इक्विटी कैपिटल, हम लोग यहाँ पे कहते हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? एकदम सिंपल है, यस सर, एकदम बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, कैपिटल कैन बी डीम्ड टू बी द प्रेफरेंस कैपिटल डिस्पाइट दैट इट इज एंटाइटल्ड टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। एंटाइटल्ड टू आइदर या बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, आइदर या बोथ के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड हुआ और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल हुआ, वही वाली चीज है जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा, सेम वाली चीज के अंदर यहां पे बोल के रखा है। अब आ जाइए, अब मैं आपको नेक्स्ट कांसेप्ट के ऊपर चल रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एमओए करके, है ना? एक और छोटे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हमारे बचेंगे जो मैं आपको कल के 9 बजे वाले सेशन में, कल सुबह मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी मैं आपको एमओए पूरा पढ़वा देता हूं और डॉक्ट्रिन्स जो है ना ये मैं आपको कल सुबह के सेशन में कवर करवा दूंगा। कितने बजे? 9 AM वाले सेशन के अंदर कल मैं आपको इसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए। एक्चुअली कल का सेशन हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया, नहीं तो आज ही कंप्लीट हो जाता था। कल का सेशन हमने थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो गया और जल्दी भी हो गया, 5-7 मिनट जल्दी छोड़ दिया, तो 10 मिनट का गैप वहां पे आ गया इसके कारण, नहीं तो कल ही हमारा, वैसे कल हमारा आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे सेशन। ठीक है, चलिए आइए, अननेसेसरी आज भगाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। देखिए मैं अगर बात करूं आपके साथ एमओए के बारे में बात करूंगा, एमओए का मतलब क्या होता है? एमओए बेसिकली एक चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी होता है। चार्टर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी,
कंपनी और ये स्कोप और पावर के बारे में बताता है, मतलब कंपनी के स्कोप और कंपनी के पावर के बारे में बताता है कौन, MOA आपको बताता है। अब सर ऑब्जेक्ट क्या है रजिस्ट्रेशन करने का, या ऑब्जेक्ट क्या हम लोग क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला इसके अंदर बेटा क्या होता है बताइए मुझे, सबसे पहला इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। क्या बोला जा रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आखिर कंपनी बनाई जा रही है, क्या पर्पस के लिए आखिर कंपनी बनाई जा रही है ना, उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है यहां पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, अनेबल्स शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स या ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट पावर्स आर एंड व्हाट एक्टिविटीज इट एंगेज इन। मतलब यहां पे शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स और वो सारे लोग डील करते हैं कंपनी के साथ कि भैया क्या क्या इनके पावर है और कौन से एक्टिविटीज के अंदर ये एंगेज कर सकते हैं, वो भी आपको कौन बताता है, MOA बताता है। तो हमने क्या देखा, MOA के दो प्रकार के पर्पस है, सबसे पहली चीज की कौन से ऑब्जेक्ट के लिए ये कंपनी बनाई जा रही है, और दूसरा शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स या जो भी लोग कंपनी के साथ डील करेंगे बेटा तो कंपनी की क्या एक्टिविटीज है और कंपनी के क्या पावर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी व्यक्ति जब भी कंपनी के साथ डील करे बेटा तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को इस MOA के डॉक्यूमेंट के बारे में यहां पे पता होता है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। अब देखो यहां पे शेयर होल्डर्स शेयर, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है, तो शेयर होल्डर्स को आखिर पता होना चाहिए कि आखिर उसका पैसा कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, ताकि वो कल चल के क्या करे, कल चल के उसको अगर कुछ भी ऐसा लगे कि यार मेरे मतलब जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया गया था उसको छोड़ के भलते ही कोई पर्पस के लिए पैसा यूज़ किया जा रहा है तो वो आपको रोक सके, तो ऐसे केस के अंदर उसको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मान लिया जाता है। अब अलग अलग यहाँ पे टेबल होते हैं, जैसे ड्राफ्ट MOA इन्होंने देखे रखा है, टेबल ए के अंदर इन्होंने देखे रखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, टेबल बी के अंदर इन्होंने देखे रखा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए, टेबल सी के अंदर इन्होंने देखे रखा है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल के लिए, टेबल डी के अंदर इन्होंने अनलिमिटेड कंपनी का दे रखा है, टेबल ई के अंदर इन्होंने अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल के लिए यहां पे चीजें दे रखी है। क्या आप इस बात को समझे, तो टेबल ए बी सी डी जो है ना, जैसे सबसे पहला लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, ऐसी तीन चीज हो गई, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर अनलिमिटेड कंपनी एंड शेयर कैपिटल, ऐसी वाली बात यहां पे चलिए बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहला बाय शेयर्स बाय गारंटी और उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, बस इतनी चीजें अपने को ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझे, यस सर। अब देखो कंटेंट्स क्या है, MOA के कौन से कंटेंट्स है, तो सबसे पहला यहां पे कंटेंट आ रहा है नेम क्लॉज से रिलेटेड यहां पे बात की जा रही है। अब नेम क्लॉज के अंदर आप यहां पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करते हो, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना, और सर अगर ओपीसी है तो 1% कंपनी का आपको यहां पे प्रयोग करना होता है। फिर आता है सेकंड वाली चीज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको स्टेट बताना होता है जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होता है, जैसे महाराष्ट्र, जैसे गुजरात, जैसे केरला, जैसे कर्नाटका, तो आपको स्टेट बताना होता है यहां पे कि कहां पे हमारी कंपनी रहने वाली है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप यहां पे बताते हो पर्पस, क्या बताते हो आप यहां पे सभी लोग बताइए, पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, आखिर क्या रीजन के कारण हम लोग कंपनी बना रहे हैं, या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी बनाने का, वो डाला जाता है पर्पस क्लॉज के अंदर, या वो बोला जाता है, बताइए सभी लोग बताइए ना, क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर बोला जाता है सर, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। तो हमने तीन प्रकार की चीजें देखी, नेम क्लॉज देखा, यहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देखा और ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हम लोग क्या बताते हैं कि आखिर क्यों है ना, समझना बात को, कंपनीज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, क्यों आखिर कंपनी बन रही है, या कौन से एक्टिविटीज के लिए वो बनाई जा रही है उसके बारे में चर्चा की गई है। If any company has changed its activities which does not reflect in its name, तो 6 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा, comply करना होगा change of name वाले section को। मतलब यहाँ पे अगर company अपने नाम को change कर रही है और उस नाम को change करने से आपका काम समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको नाम को यहाँ पे change करना होगा काम के हिसाब से, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। बराबर है ना, एकदम बराबर सर। अब देखो उसके बाद फिर बोला जा रहा है यहाँ पे लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर यहाँ पे लाइबिलिटी बताई जाती है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो बताइए लाइबिलिटी कितनी होती है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर जितनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो अनलिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर आप अमाउंट बताते हो अप टू विच मेंबर्स में अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब कितने हद तक एक मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होने वाला है, उसे बोला जाता है लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर का चीजें। तो लाइबिलिटी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा,
लाइबिलिटी के अंदर हम लोगों ने देखा कि कंपनी की जो लाइबिलिटी, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स होता है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितने हद तक मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे मानी जाती है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। उसके बाद देखो असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप, मतलब क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक मेंबर की जो लाइबिलिटी है ना वो क्या होता है यहाँ पे, जब एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, गारंटी कंपनी के केस में अगर मान लो मिस्टर ए कहता है कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, तो ये 10,000 कब देगा? जब कंपनी वाउंड अप होने वाली है, जब कंपनी डूब रही है ना बेटा, तब ये 10,000 रुपए देने वाला है, ऐसी वाली बात है। और मान लीजिए अगर किसी समय ये मेंबर, इस समय यहाँ पे इसने शेयर जो स्टेक है कंपनी का वो बेच दिया, और अगले 1 सालों के अंतर्गत अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है ना 1 ईयर के अंतर्गत, तो ऐसे केस के अंदर भी क्या इस व्यक्ति की लाइबिलिटी आने वाली है क्या? हाँ सर, इस व्यक्ति की लाइबिलिटी यहाँ पे आने वाली है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इस व्यक्ति की लाइबिलिटी यहाँ पे आने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। 1 साल के अंतर्गत चीजें होती है तब, और वो भी कौन से डेट्स के लिए, लेकिन जो पहले के डेट्स के लिए है ना, उस डेट्स के लिए इस बंदे की लाइबिलिटी आ सकती है। आगे आने वाले जब से वो सीज हो चुका है मेंबर, इस यहाँ के डेट्स के लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं आती है दोस्तों। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। और क्या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, बाकी सारी चीजें भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट के लिए बुलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुलवा सकते हैं, जो भी खर्चे अपने को लग रहे हैं वाइंडिंग अप के लिए, जैसे लिक्विडेटर को प्रोफेशनल फीस दी जाती है, तो ये सारे खर्चों के लिए भी हम लोग उससे बुलवा सकते हैं पैसा, ऐसी वाली बात है, ऐसी वाली चर्चा है। चलिए आगे एमओए हम लोग देख रहे हैं, और एमओए के कॉन्टेंट्स के अंदर कौन सी चीजें आती है। सबसे पहली चीज जो आती है इसके अंदर वो क्या था, नेम क्लॉज जो हम लोगों ने देखा। तो नेम क्लॉज क्या कहता है कि जब भी आप कोई भी कंपनी का नाम हो, उस कंपनी के नाम के आगे आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होगा, और अगर आप ओपीसी हो तो उसके आगे 1% कंपनी नाम रहने वाला है क्या? हाँ सर, 1% कंपनी नाम रहने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड वाली चीज देखा था स्टेट क्लॉज, या जिसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोला जाता है, जो आपको यह बताता है कि आखिर कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएट रहने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको जो बताए उसे बोला जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सी वाले पॉइंट पे हम लोगों ने क्या देखा था सर? सी वाले पॉइंट पे हम लोगों ने यहां पे देखा था कि कंपनी जो प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड है, आखिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस, तो आखिर उसका पर्पस क्या है, वो चीज हम लोग डाल के रखते हैं पर्पस क्लॉज के अंदर। कहां पे डाल के रखते हैं सभी लोग बताइए मुझे, पर्पस क्लॉज के अंदर हम लोग यहां पे डाल के रखते हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर आप किसी भी समय नेम को चेंज करते हो और आपके एक्टिविटीज में वो नेम चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो 6 महीने के अंदर आपको चेंजेस करना होगा, ऐसा यहां पे बता के जा चुका है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर हमने देखा था लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी क्लॉज का मतलब होता है कि जो मेंबर ऑफ द कंपनी है, आखिर उसकी कितनी लायबिलिटी करने रहने वाली है पे करने के लिए। अब इसमें 3 प्रकार की कंपनीज है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स है तो ऐसे केस के अंदर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, 7 पेड अप, तो 3 रुपए ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा सकता है लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के अंदर। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड कंपनी के केस में आप जितना चाहे उतना पैसा बुला सकते हो, जब तक कंपनी के डेट्स पूरे पे नहीं हो जाते। और गारंटी वाले कंपनी के केस के अंदर यहां पे मेंबर्स अंडरटेक करता है लायबिलिटी, जो वो पे करेगा कब? वो पे करेगा एट द टाइमिंग अप ऑफ वू, मतलब वाइंडिंग अप के समय जो वो पे करने वाला है अमाउंट, उस चीज को क्या कहा जाता है? उस चीज को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का नाम यहां पे दिया जाता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर। अब आ जाइए, अब आज से हमारा जो चीज चालू होने जा रहा है वो कौन सा है बेटा? आज से जो मेन थिंग हमारा चालू होने जा रहा है वो है बेटा यहाँ पे अथराइज क्लॉज, अथराइज कैपिटल क्लॉज। कौन सा है सभी लोग बताइए? अथराइज कैपिटल क्लॉज करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब ये अथराइज कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या होता है? अथराइज कैपिटल क्लॉज के अंदर यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ना, तो ये बात करता है यहाँ पे अथराइज कैपिटल, मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी बुला सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। क्या कहा गया सभी लोग बताए मुझे, एक लाइफ टाइम जर्नी के अंदर, एक कंपनी के जर्नी के अंदर कितना पैसा कंपनी मैक्सिमम बुला सकती है, उस चीज को अथराइज कैपिटल कहा जाता है। और अथराइज कैपिटल क्लॉज उसी चीज के बारे में बात करता है, किस चीज के बारे में बात करता है कि आखिर कंपनी कितना पैसा बुला सकती है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी कितना पैसा बुलाया जा सकता है ना। तो इसे बोला जाता है अथराइज कैपिटल क्लॉज। क्या बोला जाता है बोलो सभी के सभी लोग? अथराइज कैपिटल क्लॉज कहा जाता है। इसके अंदर को
आपको बताना होता है कि मान लीजिए कंपनी अगर 1 करोड़ रुपया बुला रही है तो 10 लाख इंटू डिवाइडेड बाय इंटू 10 रुपए का शेयर, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे 1 करोड़ रुपए बुलाए जाने वाले हैं, तो उस चीज को कहा जाता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, ऑथराइज कैपिटल, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कॉल फ्रॉम इट्स मेंबर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। एक वाला पॉइंट आप लोगों के साथ बात करता है ऑथराइज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज के अंदर आप उन लोगों के नाम बताते हो बेटा जो हमारे कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, जो हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ये वो पहले पहले मेंबर होंगे बेटा जो हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले हैं, तो इसे बोला जाता है यहाँ पे ऑथराइज, इसे क्या बोला जाता है, एसोसिएशन क्लॉज। क्या बोला जाता है सभी लोग, सभी के सभी लोग बताइए, एसोसिएशन क्लॉज का यहाँ पे नाम दिया जाता है, बराबर ना? यस सर। अब देखिए इनका कहना है कि जो मेमोरेंडम है इसको हम लोग प्रिंटेड डिवाइड इनटू पैराग्राफ करते हैं और कॉन्जिक्यूटिवली नंबरिंग भी करते हैं और साइन करेंगे एटलीस्ट 7 मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग और 1 पर्सन कंपनी में 1 व्यक्ति को यहाँ पे साइन करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस ऑल्सो, तो एक बाहर का कोई व्यक्ति या उसके समक्ष हमको यहाँ पे साइन करना होता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे इन लोगों ने की है। द पर्टिकुलर्स ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एज वेल एज विटनेस एज टू देयर एड्रेस डिस्क्रिप्शन ऑक्यूपेशन, इसको भी हमको एंटर करना होता है कि आखिर वो क्या काम करता है, कौन से काम करता है, ये सारी डिटेल्स जो होती है सिग्नेटरीज की, क्या ये डिटेल्स भी हम लोगों को मेंशन करना है क्या? हाँ, ये डिटेल्स भी हम लोगों को मेंशन करना है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। कम ऑन एवरीवन, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? बोलो मुझे जल्दी से कि आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या, है ना? चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को मैं आपको पढ़वाने वाला हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, आ जाइए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, MOA जो होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप इसको चेंज कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ने वाले हो कि कहां पे OR लगता है, कहां पे SR लगता है चेंजेस करने के लिए, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसको भी। तो अब अगर MOA को चेंज कर सकते हैं तो सीधी सी बात है उसके अंदर के क्लॉजेस की ही बात हो रही है यहाँ पे, कि आप अंदर के क्लॉजेस को भी चेंज कर सकते हो करके, है ना? तो ये नॉर्मल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए आइए, अब अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा, सर अब हम लोग पढ़ने वाले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बोलो कौन सी चीज को पढ़ेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात सर, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। क्या होता है मतलब, सभी लोग बताइए, बियॉन्ड पावर, तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। तो इनका वही कहना है कि अगर कंपनी कोई भी हरकत करती है जो उसके पावर के बियॉन्ड है, मैं ये कंपनी के पावर को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, और ये अगर कोई चीज के पावर के बियॉन्ड है ना, तो ऐसे केस के अंदर इसे अल्ट्रा वायर्स का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे? सभी लोग बताइए, इस चीज को अल्ट्रा वायर्स का नाम हम लोग दे देते हैं, क्योंकि कंपनी ने अगर अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी काम किया है जिसकी उसके पास परमिशन ही नहीं थी, वो उस परमिशन के बाद, क्या कह रहा हूं मैं, वो उस परमिशन के बाद या बाहर जाके अगर काम करता है, तो ऐसे केस हम लोग उसको अप्रूवल दे देवे। तो ऐसे केस में बोला जा रहा है कि इसे क्या कहा जाता है, बियॉन्ड पावर्स कहा जाता है, बराबर ना? तो जब भी कोई व्यक्ति अपने लीगल पावर्स या लीगल डूअर्स के एक्सेस में जाके काम करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस थिंग को, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज व्हाट, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर, एकदम प्रिटी सिंपल। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंपनी के MOA के अंदर या कंपनी के AOA में अपन ने लिखा था कंपनी 10 लाख रुपए तक लोन ले सकती है। अब डायरेक्टर्स ने यहां पे रेजोल्यूशन पास किया और कह दिया कि हम लोग 20 लाख का लोन लेंगे, तो मैं कहूंगा ये 20 लाख का जो लोन आप ले रहे हो ना, ये अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर ना ही कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है और ना ही कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है और ना ही कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? तो मतलब वो ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ना कि कंपनी केस कर सकती है और ना ही कंपनी किसी के ऊपर केस कर सके, मतलब दोनों चीजें नहीं होने वाली है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी करती है बेटा बियॉन्ड पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, इसे हम लोग होली वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए, इसे होली वॉइड बोला जाता है और इनऑपरेटिव माना जाता है लॉ के अंदर, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं होता है कंपनी में। हमने क्या कहा, सभी के सभी लोग बताइए मुझे, अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा जो बियॉन्ड पावर होते हैं, तो वो अपने आप में होली वॉइड माने जाते हैं और वो इनऑपरेटिव होते हैं लॉ के अंदर। किसके अंदर? सभी के सभी लोग बताइए मुझे, लॉ के अंदर वो इनऑपरेटिव
लुक्रेटिव होते हैं, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं माने जाते हैं कंपनी के ऊपर। क्या कंपनी को ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए फंड यूज करने से रोका जा सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोका जा सकता है, उसके अंदर कोई बात ही नहीं है, ऐसी वाली चीज यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब देखो द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस क्या है कि कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता और ना ही कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे डीम्ड इसलिए कहा जाता है कि ये जो डॉक्ट्रिन, समझिए बात को, ऐसा कहा जाता है कि एमओए एओए जो है ना ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, तो अगर कोई भी कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कंपनी के एमओए और कंपनी के एओए क्या कहते हैं, क्योंकि अगर उसे जब नॉलेज होगा तब जाके वो देख पाएगा कि कंपनी कौन से ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकती है और कंपनी कौन से ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकती, ये सारे चीजों के बारे में वो बता पाएगा, ऐसी वाली बात यहां पे आ जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? बोलो सभी के सभी लोग, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? है ना, तो व्हेन वन डील्स विद अ कंपनी, हमने क्या कहा, जब भी कोई व्यक्ति डील कर रहा है कंपनी के साथ तो उसे अज्यूम कर लेंगे हम लोग कि उसके पास उसे नॉलेज होना चाहिए अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, ताकि जब वो कंपनी के साथ डील करे तो ऐसा ना हो कि वो बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं था करके क्या हो गया करके, है ना, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखो, अब अगर कोई लेंडर बेटा यहाँ पे पैसा देता है तो वो अपने प्रॉपर्टी को ले सकता है क्या? बिल्कुल। मान लीजिए अगर कोई अल्ट्रावायस लोन को आप यूटिलाइज करते हो कोई लॉफुल डेट को पे करने के लिए, तो जो लेंडर है ना वो स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली वुड बी एंटाइटल टू रिकवर हिज लोन टू द एक्सटेंट टू दैट कंपनी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ समझना बात को, है ना, एकदम अच्छी तरीके से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपके साथ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ। देखो मान लीजिए कंपनी ने एसबीआई से लोन दिया 20 लाख रुपए का, कंपनी की लिमिट थी 10 लाख रुपए की, बराबर ना, तो ये अल्ट्रा वायस ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन कंपनी ने 15 लाख रुपए का जो लोन था ना बेटा कंपनी के ऊपर, उसको फिटा दिया ये 20 लाख रुपए से, ठीक है, उसको यहां पे पे कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर ये एक लॉफुल डेट को जब पे किया जाता है तो एसबीआई क्या बोलेंगी, हम स्टेप करेंगे इनटू द शूज ऑफ डेटर पेड ऑफ और ऐसे केस के अंदर हम यहां पे ये 15 लाख रुपए मांग पाएंगे। सर बचे हुए 5 लाख डिपेंड करता है बचे हुए 5 लाख कहां खर्चे है करके, अगर नहीं खर्चे तो यहां पे एसबीआई बोल सकता है कोर्ट से इनको रोको पैसा खर्च करने से, या अगर खर्च दिए हैं और लॉफुल एक्टिविटीज के ऊपर खर्च नहीं किए तो एसबीआई के पैसे डूब जाएंगे, ऐसी वाली चीजें यहां पे आने वाली है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से जल्दी सभी के सभी लोग बताएंगे मुझे, है ना। यस सर, चलिए आइए। अब देखो, अब उसके बाद क्या बोला गया, कोई भी ऐसा अल्ट्रावायस ट्रांजैक्शन है तो हम लोग क्या उसको रेटिफाई कर सकते हैं क्या? रेटिफाई का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना, क्या आप उसको अप्रूव कर सकते हो क्या सब्सिक्वेंटली? नहीं सर, हम लोग उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव नहीं कर सकते, हम लोग उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो अल्ट्रावायस होते हैं कंपनी के, समझना, तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अल्ट्रावायस होते हैं डायरेक्टर्स के लेकिन कंपनी के पावर के विद इन है तो हम उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए, जैसे देखो है, ये मैं बात करूंगा यहां पे डायरेक्टर के बारे में, ठीक है, डायरेक्टर की यहां पे इतनी पावर देके रखी है, यहां मैं कंपनी के बारे में बात करता हूं, कंपनी की इतनी पावर है, डायरेक्टर 10 लाख रुपए तक लोन ले सकता है, कंपनी यहां पे 20 लाख तक लोन ले सकती है। अब मुझे बताइए, अगर 25 लाख का लोन लिया गया बेटा तो कुछ नहीं हो सकता, ये अल्ट्रावायस ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर 12 लाख का लोन लिया गया तो डायरेक्टर के पावर के बाहर है लेकिन कंपनी के पावर के अंदर है, तो इस चीज को अपन लोग रेटिफाई कर सकते हैं क्या? हां सर, इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल रेटिफाई या सब्सिक्वेंट अप्रूवल किया जा सकता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? आधे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होंगी, चल क्या रहा है भाई साहब, ये क्या रेटिफाई क्या हो रहा है करके, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर सकते हो क्या जो विद इन द पावर ऑफ डायरेक्टर है? इसको जरूरत ही क्यों पड़ेगी बेटा, ये तो वैसे ही विद इन पावर है ना, ये तो वैसे ही विद इन पावर है ना, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। समझ गए आप बात को? चलिए आ जाइए, पटापट पटापट सारे के सारे लोग ध्यान देंगे। उसके बाद देखो क्या बोला गया, एक यहाँ पे लीडिंग केस बोला गया, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयन कंपनी वर्सेस रिची करके ये केस है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे केस दिया गया था। क्या हुआ था समझिए बात को, रेलवे कंपनी को वैगन्स बनाने का काम मिला था, अब इन्होंने क्या कर दिया, उस काम को रिची को दे दिया। अब रिची का कहना, यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, काम करो तुम मुझे लोन दो, मैं उस लोन से ऐसा खर्च करूंगा, बाद में जो आपको मुझे अमाउंट देना है उसमें से आप डिडक्ट कर देना। कंपनी का कहना है ठीक है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और कंपनी उसे लोन के तौर पर पैसा दे देती है।
अब बाद में कंपनी के जो मेंबर्स है वो कंपनी को रोकते हैं कि हम आपको ये पैसा नहीं देने देंगे, क्योंकि कंपनी का काम धंधा करना है, कंपनी का काम लोन बांटना नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर ऋषि का कहना है ऐसे कैसे नहीं दोगे, और ऋषि चले जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में और कहता है देखो इनके नाम के इसके अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स भी लिखा हुआ है। तो इनका कर्तव्य बनता है कि ये कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स के स्कोप के अंदर आ रहा है। पर यहाँ पे लॉ का, या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, कोर्ट ऑफ लॉ का क्या कहना था, कोर्ट ऑफ लॉ का ये कहना था कि यार सिंपल सी बात ये है कि माना हम लोगों ने जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन्होंने नाम दिया है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आपने ऐसा करना है कि जो कंपनी के रेगुलर, क्या बोला मैंने सभी लोग बताइए मुझे, जो कंपनी के रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में धंधे हो रहे हैं ना, वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के धंधों को ही रेटिफाई किया जा सकता है। उसके अलावा किसी दूसरे चीज को रेटिफाई किया जा सकता है क्या? नहीं सर, उसके थ्रू हम लोग रेटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला गया कि वो नल एंड वॉइड माना जाता है कि अगर आपके कंपनी के कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके कंपनी का कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे उस चीजों को आप रेटिफाई नहीं कर पाओगे। रेगुलर बेसिस पर, क्या कहा मैंने, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे चीजें होती रहनी चाहिए, या रेगुलर बेसिस पर वो धंधा भी होना चाहिए ना। ये वंस इन अ वाइल लोन देना कंपनी का काम थोड़ी है, कंपनी का काम है रेलवे कैरेज को मैन्युफैक्चर करना, कंपनी का काम है धंधा करना, है ना। और ऐसी वाली चीज यहाँ पे की गई थी, इसलिए बोला गया था कि ये ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर्स माने जाते हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? बोलो 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 मुझे कि आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या, है ना। यस सर, चलिए आइए अब नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, एक मिनट, अब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी क्या होता है? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंपनी की कुंडली होती है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात की जाती है कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती है, उसको हम लोग कहाँ पे बताते हैं, AOA के अंदर बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ऐसी वाली यहाँ पे आ जाती है, ठीक है सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक कंपनी क्या कर सकती है और एक कंपनी क्या नहीं कर सकती, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि हाँ, इसे मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सभी लोग बताइए? मैग्ना कार्टा, वहां पे चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी बोला जाता था, यहां पे मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है। कंपनी के सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी देना है, आखिर वो इंटरनल जानकारी देने कौन वाला है सर? वो इंटरनल जानकारी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देने वाला है। ऐसी वाली चर्चा है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। चलो आ जाओ, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सर देखो क्या क्या आपको AOA के अंदर देखने को मिलने वाला है। देखिए यहां पे सबसे पहली चीज आपको देखने मिलने वाला है रेगुलेशंस, इसके अंदर कंटेंट होते हैं। सर रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? रेगुलेशंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है और मैनेजमेंट क्या नहीं कर सकती, उसके बारे में यहां पे दिया जाता है, उसके बारे में यहां पे बताया जाता है। मैनेजमेंट को रेगुलेट करने की एक्टिविटीज, कि मैनेजमेंट कितना लोन ले सकती है, मैनेजमेंट की परचेस पावर कितना है, परचेस करने की कैपेसिटी कितना है, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग यहां पे है ना बेटा, यहां पे बताया जाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको ऐसे मैटर्स को इंक्लूड करना होता है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मैनेजमेंट के लिए। मतलब कुछ ऐसे इंक्लूजन ऑफ मैटर्स करते रहोगे जो रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। रूल्स के अंदर कुछ एडिशनल मैटर्स, क्या कहा मैंने, रूल्स के अंदर कुछ एडिशनल मैटर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, और वो एडिशनल मैटर्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है AOA के अंदर, कि कैसे यहाँ पे चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करोगे। उसके अलावा प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट भी होता है AOA के अंदर। सर ये एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, समझिए बात को, क्या मतलब होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग। सर ये टू प्रोटेक्ट समथिंग का क्या मतलब हो है? इसका मतलब होता है कि यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस का प्रयोग किया जा सकता है AOA के अंदर। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मान लीजिए अगर डिविडेंड को डिक्लेयर करना है बेटा, तो अपने को OR लगता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। तो यहां पे AOA के अंदर हम लोग कह सकते हैं एक काम करो करके यहां पे SR पास किया जाए। मतलब क्या, जहां पे 50% लोगों का अप्रूवल लगना है, वहां पे 75% लोगों का अप्रूवल लगाना। तो यह होता है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। तो किसी भी चीज
चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी क्लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड करवा सकते हैं, मतलब ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन को इंक्लूड करवा सकते हैं हमारे AOA के अंदर, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ऐसी वाली बात है। सर अगर किसी को SR लग रहा है 75% अप्रूवल, तो हम वहां पे लिखवा सकते हैं कि एक काम करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि इनको 90% अप्रूवल लगने वाला है, तब जाके वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है। मतलब इसे हमने क्या किया, ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर दिया, बोलो क्या कर दिया, ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर दिया, ऐसी वाली बात है। परफेक्ट है, यस। देखो मैनर ऑफ इंक्लूड ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, तो कैसे आप इंक्लूड करोगे, तो आप कैसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड करते हो, तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है बेटा तो आपको ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लगने वाला है, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो ऐसे केस के अंदर आपको SR को पास करना पड़ता है, ठीक है ना, समझ गया आप बात को। बोलो प्राइवेट कंपनी है सर तो ऐसे केस में ऑल मेंबर्स का अप्रूवल, पब्लिक कंपनी है सर तो यहाँ पे हमको SR को पास करना होता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। कम ऑन एवरीवन, ठीक है, यस सर। अब नोटिस ऑफ एंट्रेंचमेंट, आप ये नोटिस ऑफ एंट्रेंचमेंट किसको देने वाले हो, रजिस्ट्रार को बताओगे कि देखो यार ये हमारा नोटिस है। उसके बाद यहाँ पे टेबल FGHIJ आने वाला है, यहाँ पे जैसे अपन ने MOA के टेबल्स देखे थे उसी प्रकार से ड्राफ्ट टेबल्स यहाँ पे भी रखने में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल आर्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, कि ये जो टेबल आते हैं ना वो सारी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर यहाँ पे सर क्या बोला जा रहा है, कंपनीज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, तो ये कंपनी देखो वो सारी कंपनीज जो यहाँ पे After the commencement of the act, मतलब एक बार ये act अगर commence हो गया और उसके बाद अगर आ रही है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर जितने भी model articles हैं ना, इनको सारे के सारे model articles applicable होने वाले, ये उसके अंदर क्या change कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये उसके अंदर changes नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, clear cut बता दूं, उसके अंदर आप change नहीं कर सकते हो, आप do not exclude or modify regulations contained in the model articles applicable to such company. मतलब सर जो पुरानी कंपनीज है आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो इस एक्ट के अनुसार, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आप अपने मॉडल आर्टिकल्स के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानियां नहीं करने वाले हो या आप नहीं कर सकते हो, ये कहना ज्यादा सही होगा, ठीक है, ओके। अब कुछ डिफरेंस देखते हैं बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन द MOA और AOA के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव्स, तो MOA का ऑब्जेक्टिव डिफाइन या डिमिट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। तो MOA जो होता है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी के बारे में यहाँ पे चीजों को बताता है, लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं दोस्तों, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को गवर्न करता है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो उसको गवर्न करते हैं, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे तो ये मेमोरेंडम का जो रिलेशनशिप होता है बेटा, ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ होता है, लेकिन आर्टिकल्स का जो रिलेशनशिप है वो कंपनी के विद इन होता है, मतलब कंपनी के अंदर होता है। क्या हम लोग मेमोरेंडम को अल्टर कर सकते हैं क्या? हां, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोग अल्टर कर सकते हैं, मोस्टली यहां पे रीजनल डायरेक्टर या ट्राइब्यूनल की परमिशन भी लेके हम लोग यहां पे कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स तो सबसे ज्यादा सिंपल है, मात्र SR पास करो और यहां पे आप चेंजेस कर सकते हो आर्टिकल्स को। ऐसा नहीं है कि मेमोरेंडम का अल्टरेशन नहीं हो सकता, मेमोरेंडम का भी बिल्कुल बिल्कुल अल्टरेशन हो सकता है। और अल्ट्रा वायस के बारे में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अगर अल्ट्रा वायस कंपनी के बियॉन्ड है, कंपनी के स्कोप के बियॉन्ड है, तो वो वॉइड हो जाता है और उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते यूनानिमस कंसेंट से भी। लेकिन अगर अल्ट्रा वायस है बेटा ऑफ द आर्टिकल से, मतलब एक व्यक्ति के बिहाफ से, तो ऐसे केस के अंदर आप यहां पे क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको यहां पे अल्ट्रा वायस का फिर से बतवा देता हूं। देखो यहां पे एक डायरेक्टर है, ये उसकी पावर है, कंपनी है उसकी पावर है। डायरेक्टर की पावर है वो 10 लाख तक लोन ले सकता है, लेकिन कंपनी के पास पावर है वो 20 लाख तक का लोन ले सकता है। अब यहाँ पे अगर 25 लाख का लोन सैंक्शन होता है बेटा, तो कोई भी इसको रेटिफाई कर सकता है क्या? नहीं सर, कोई भी इसको रेटिफाई नहीं कर सकता है। मुझे आप एक बात बताइए, लेकिन अगर 12 लाख का लोन लिया जा रहा है, तो ये डायरेक्टर के स्कोप के बाहर है लेकिन कंपनी के स्कोप के अंदर है, तो मैं कहूंगा डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायर्स है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आप रेटिफाई कर सकते
सकते हो जो कंपनी के स्कोप के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं बताइए मुझे, जो कंपनी के स्कोप के अंदर आ रहे हैं। ऐसी वाली बात यहाँ पे कि रेटिफाई का मतलब होता है सबसीक्वेंट अप्रूवल कर देना, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि डायरेक्टर तूने जो किया ना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो टेंशन मत ले करके, तो इसे आपने उसने आपने सबसीक्वेंट अप्रूवल कर दिया बराबर ना, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे, बस इतनी सिंपल सी तो बात है ना, एकदम आसान है। ठीक है चलिए आ जाइए ध्यान दो। वैसे रेगुलर क्लास के अंदर काफी डिटेल में अपन लोगों ने देखा था, वो अपने टाइमिंग लिया था घर में एंट्री लेने का, फिर 12 बजे 10 बजे मम्मी परमिशन पापा परमिशन कुछ कुछ याद आना चाहिए आपको, अगर आपने रेगुलर क्लासेस किए तो आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है तो ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो रेटिफिकेशन हुआ है ना बेटा, इसे सबसिक्वेंट अप्रूवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसिक्वेंट अप्रूवल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी चीजें AOA के अंदर दे रखी है, जैसे ये वाली चीज भी। अब AOA को ही आपको चेंज करना है, अगर आपने AOA को चेंज कर दिया मुझे एक बात बता दीजिए SR पास करके, और आपने बोला कि 30 लाख तक का लोन ले सकते, तो भैया अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन का पर्पस तो वैसे ही खत्म हो चुका है अब, है ना। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ गई है। ये वही कह रहे हैं कि यार आजकल तो AOA को चेंज करने के लिए लगता ही क्या है, SR लगता है। अब SR लगता है तो आप SR का स्कोप बढ़ा के आप उसको विद इन पावर लेके आ सकते हो और आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ऐसी वाली बात यहाँ पे कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या, है ना? यस सर। आओ अब मैं आपके साथ बात करूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सोच ही नहीं सकते अपन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं मैं आपको, है ना। तो प्लीज सभी लोग फोकस कीजिएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से फोकस करते हुए चलिएगा, है ना। आपको एकदम ध्यान देना है अच्छी तरीके से। आ जाओ क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के लिए अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब यह होता है कि देखो यार, कंस्ट्रक्टिव नोटिस इनका कहना है कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है MOA और AOA है ना, ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी के सभी लोग बताइए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कंपनी के ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, और कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ डील करता है तो उसे ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या कहा हमने, कंपनी उसको इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा की गई है। ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है। मतलब सर आप कह रहे हो कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील करने आ रहा है तो उसको हमारे कंपनी के बारे में पता होना चाहिए क्या? हाँ, उस व्यक्ति को हमारे कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी वाली बात है, कंपनी के MOA और कंपनी के AOA के बारे में उसे आइडिया होना चाहिए, है ना। कंपनी के AOA और कंपनी के एक मिनट, चलो ध्यान दो। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनो 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 ध्यान दो, मैं अगर बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या कहना है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं MOA और AOA, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं सारे के सारे लोग बताइए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कंपनी ने, यहाँ पे एक व्यक्ति ने मेंबर्स कंपनी के साथ डील करने से पहले, क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी ने डील करने से पहले वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाहर वाले पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहिए और उसके बाद ही उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर कोई भी आपकी ऐसी चीज होती है जो कंपनी के साथ, मान लीजिए अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं किया था, और क्योंकि अब आपने डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं किया था तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, आपको ध्यान ही नहीं आया कि कंपनी यह धंधा नहीं कर सकती, तो कल चल के आप कंपनी को कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं सर, कल चल के हम कंपनी को कुछ नहीं कह सकते। यानी कि मैं आप लोगों के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप कि ये जिम्मेवारी बनती है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के जाए, MOA और AOA को पढ़ के जाए। जब आप MOA AOA को पढ़ के जाएंगे और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो वो वैलिड माने जाने वाला है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज करते हो जो कंपनी के स्कोप के ही बाहर है, जो कंपनी के पावर्स के ही बाहर है, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे रे आपने ये कैसे कर दिया करके। अरे भैया वो जब MOA AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाए, है ना। तो हम लोग
रिज्यूम मान लेंगे, आउटसाइडर्स ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आए हैं करके, ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपसे कहता है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, देखो वेयर द पर्सन रीड्स विद द डॉक्यूमेंट्स ही इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज एंड द कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो अंडरस्टूड देम इन ट्रू एस्पेक्ट। एवरी पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी नॉट ओनली एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बट ऑल्सो ऑफ द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज SR विच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट रजिस्ट्रार या सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। तो बेसिकली कंपनी, सामने वाले व्यक्ति ने MOA AOA को पढ़ के आना चाहिए और उसके बाद ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, ऐसी वाली बात है। ये उसकी जिम्मेवारी रहने वाली है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं रहने वाली है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि कंपनी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी है ना, ये इंटरनल अफेयर्स बढ़िया तरीके से सही तरीके से चल रहे हैं करके। मतलब यहाँ पे नो सेंस मीनिंग द आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नॉलेज अबाउट द इंटरनल, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, किसी भी प्रकार में हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में आउटसाइडर्स को जानकारी हो, ऐसा तो हम लोग बिल्कुल अज्यूम ही नहीं कर सकते, ऐसा तो अपन बिल्कुल प्रिज्यूम ही नहीं कर सकते, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे, मतलब ये वाली बात यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं। क्या आप इस बात को समझे, मतलब सर कंपनी के अंदर SR पास हुआ या कंपनी के अंदर SR पास नहीं हुआ, हम ये नहीं बता सकते। कंपनी के अंदर किसी चीज के लिए OR पास करना था, OR पास हुआ या OR पास नहीं हुआ, ये हम नहीं बता सकते, बराबर ना। तो हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेंगे कि कंपनी ने OR भी पास कर लिया, कंपनी ने SR भी पास कर लिया, हम ऐसा मान लेंगे, ये वाली बात यहां पे की जा रही है। इसे इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी बोला जाता है। मतलब सर अगर मान लीजिए कंपनी ने SR पास करना था, कंपनी ने SR पास नहीं किया और फिर भी उसने लोन ले लिया, तो ऐसे केस के अंदर फंसेगा कौन, बैंक फंसेगा कि कंपनी फंसेगी। भैया हम लोग यहां पे कहते हैं आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग प्रिज्यूम नहीं कर सकते कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में जानकारी हो इस बारे से रिलेटेड, बराबर ना। तो ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ गए, जैसे मैं आपको चीजें बताता हूं, ध्यान दो, ठीक है सर। SR पास करने के लिए भी यूनानिमस कंसेंट लगता है। धन्य है माते आप, धन्य है प्रभु, बस बस ईश्वर। आइए अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, चलो ध्यान दो, डॉक्ट्रिन ऑफ क्या बोला जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर। जैसे देखो अगर मैं कहूं आप लोगों के साथ, सुनना, ध्यान देना, कंपनी यहाँ पे लोन ले सकती है, कितना, 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है, ठीक है 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है, ठीक है सर। कंपनी 15 लाख रुपए का लोन ले रही है, लेकिन लोन लेने के लिए OR पास करना पड़ता है। OR पास करने का मतलब होता है 51% लोगों का अप्रूवल लेना करके, बराबर, या 50% से ज्यादा का अप्रूवल लेना, टू बी वेरी प्रेसाइज। तो ऐसे केस के अंदर अब क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जो लोन ले रही है ना SBI से बेटा, तो ऐसे केस के अंदर मुझे बताइए क्या SBI ये थोड़ी पता लगाएगा यार, SBI ये पता लगाने वाला है क्या कि आपने OR पास किया कि नहीं किया। SBI ये चेक करेगा आपके पास पावर है क्या 20 लाख लोन लेने की, वो तो आपके पास बेटा पावर है, समझ रहा बात को, वो तो पावर है, तो SBI बोलेगा इन्होंने OR पास कर लिया होगा, ऐसा ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा बताइए मुझे जल्दी से, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाता है। प्रिज्यूम का मतलब होता है अज्यूम करना, क्या करना बोलो सभी लोग, अज्यूम करना। तो SBI मान लेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, SBI मान लेगा कि आप लोगों ने OR को पास कर दिया है और तभी आप हमारे पास लोन लेने के लिए आ रहे हो, ऐसी वाली बात है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे, कम ऑन एवरीवन, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे, यस सर एकदम बढ़िया। तो ऐसे केस के अंदर कल चल के आप ये नहीं बोल सकते कि देखो 20 लाख रुपए तक का, देखो हमने तो OR पास नहीं किया था, ये अल्ट्रा वायस ट्रांजेक्शन है, SBI हमसे क्लेम नहीं कर सकता। नहीं बेटा, SBI आपसे बिल्कुल क्लेम कर सकता है। यहां पे आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसको प्रोटेक्ट किया जाता है बोलो, आउटसाइडर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे, देखो मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ बेटा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके कंसेप्ट भयंकर तरीके से हिले हुए हैं। एक तो आपने मेरा रेगुलर सेशन नहीं देखा, या आपने किसी का भी रेगुलर सेशन नहीं देखा, और आप सीधा रिविजन के लिए पधार गए हो, है ना, तो इसलिए पूरी गड़बड़ हो रही है। देखो OR का मतलब होता है मोर देन 50% अप्रूवल, एक महीने के अंदर ऐसा एग्जाम है और यहाँ ORSR खेला जा रहा है, भाई साहब बहुत ही बढ़िया, 75% और यहाँ पे 100%, ठीक है अप्रूवल लगता है, ये वाली चीज है यहाँ पे 75% अप्रूवल, 100% अप्रूवल, समझ गए बात को। इसे यूनानिमस कहते हैं, इसे SR कहते हैं, इसे OR कहते हैं, बराबर है। चलो आओ आओ,
इसे टर्कॉन्ट रूल भी कहा जाता है। टर्कॉन्ट रूल के अंदर वही हुआ था जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो रॉयल ब्रिटिश बैंक के बेटा ये क्या करती है, बॉन्ड्स इशू, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है बॉन्ड्स ले लेती है टर्कॉन्ट कंपनी से, जो यहाँ पे कंपनी के सेक्रेटरी है वो यहाँ पे बॉन्ड्स इशू कर देता है रॉयल ब्रिटिश बैंक को। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को है ना यहाँ पे, वो समझना बात को, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो यहाँ पे कंप्लाई नहीं करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे वो कंप्लाई नहीं करते हैं, तो कल चल के वो ये नहीं बोल सकते कि जो बॉन्ड्स हमने इशू किए थे वो अल्ट्रावायर से, आप हमसे पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो करके, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे, बैंक को यहाँ पे बचाया जाएगा, ये अज्यूम करके कि सामने वाले व्यक्ति ने, समझ रहे बात को, सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है करके सामने वाला व्यक्ति अज्यूम कर सकता है कि इन्होंने इंटरनल कंप्लायंसेस को सारी सारी चीजें परफॉर्म किए हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, मतलब यहाँ पे हम लोग कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है बेटा कि अगर यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को नॉलेज है कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक कंप्लाई नहीं हुए, अगर सामने वाले व्यक्ति को पता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ये कहेंगे कि भैया अब उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी रहने वाली है, अब जिम्मेवारी हमारी नहीं रहने वाली है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब अगर उसे पता था कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक कंप्लाई नहीं हुए और वो फिर भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, तो वो गलत कर रहा है या बहुत ज्यादा गलत कर रहा है? सर वो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो जिम्मेवार रहने वाला है। इसके अंदर केस लॉ था हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दूसरा सस्पेंशन ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अगर होता है, एक मैन ऑफ प्रूडेंस होता है तो ऐसे केस के अंदर, सुनना, अगर कोई मैन ऑफ प्रूडेंस है तो उसको सस्पेंशन जागना चाहिए, उसे डाउट होना चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है करके, कुछ तो यहाँ पे चीजें आ रही है, समझ रहे हैं बात को, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कुछ तो चीजें यहाँ पे हो रही है इधर उधर, तो ऐसे केस के अंदर अगर उसे डाउट अराइज होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो ऐसे केस में सस्पेंशन ऑफ इरेगुलरिटी का नाम इसे दिया जाता है। और ये जो सस्पेंशन ऑफ इरेगुलरिटी होता है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये केस के अंदर भी हम लोग किसको प्रोटेक्ट करते हैं, कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि नैतिक जिम्मेवारी बनती है बेटा बाहर वाले व्यक्ति की कि उतना यहां पे उसने क्या करना चाहिए, उतना बेनिफिट ऑफ डाउट अराइज करके उसने सवाल पूछने चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। फॉर्जरी, एक बात बता दूं, कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शंस के अंदर फॉर्जरी का इफेक्ट नल एंड वॉइड होता है, तो अगर कंपनी के साथ कोई भी चीजें फॉर्ज की गई है तो उसका वही इफेक्ट होगा, बाहर वाले के साथ भी फॉर्ज हुआ है और कंपनी के साथ भी फॉर्ज हुआ है तो वो नल एंड वॉइड होता है, मतलब इसके लिए आप कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप इस बात को समझे, है ना, यहाँ पे अपना पूरा पूरा कंपनीज एक्ट का रिविजन होता है समाप्त बेटा। सो होप सो ये पूरा सेशन आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगा हो, पूरा कंपनीज एक्ट का रिवीजन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। जाने से पहले कहूंगा इतना कि जून एग्जाम्स के बाद बेटा जुलाई में और दिसंबर एग्जाम्स के बाद जनवरी में हमारे वार्म अप सेशंस आते हैं, तो जैसे अभी जो हमारे जून के पेपर्स कंप्लीट होने वाले तो उसके बाद जुलाई के 15th या 18th जुलाई के बीच में हम लोग यहाँ पे वार्म अप बैच चालू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको CA इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाने वाला हूँ। तो CA इंटरमीडिएट का आप लॉ मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस के ऊपर पूरा 100 मार्क्स से रिलेटेड, एंड IG सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट फॉर गेटिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, केवल CA नहीं, आपके दोस्त भाई बहन कोई दूसरे कैटेगरी का जैसे JEE हो गया, 11 12th हो गया, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहां पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, सेम चीजें आइकॉनिक में, इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहां पे IG सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस, तो आप आपको यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस या आइकॉनिक दोनों प्रकार के अलग अलग सब्सक्रिप्शंस होते हैं, अलग अलग मंथ्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड IG सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग आप यहां पे कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं सर, CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट का जो कॉम्बो होता है आप ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अगेन मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अगर आपको चाहिए बेटा तो यहाँ पे आप IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा। कभी कभार अनअकैडमी के ऊपर 25% ऑफ होते हैं, 20% ऑफ होते हैं, तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा, हर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको इस कोड की मदद से मिल जाता है, तो जरूर से इसे चेक कीजिएगा। फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए,
मुलाकात होंगी ऐसे ही अगले किसी रिविजन वीडियो के अंदर। बहुत जल्द मैं सोगा का रिविजन लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द